हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड तो आज अपन बेटा डिस्कस करते हैं मैथ केम फोर जेई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का टेस्ट नंबर टॉपिक से आपके लिमिट कंटिन्यूटी है डिफरेंशियबिटी जिसमें टोटल आपके वही सेम थर्टी क्वेश्चन है फर्स्ट ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन सेक्शन ए में सिंगल चॉइस है और रिमेनिंग फाइव क्वेश्चन आपके क्या इंटीजर टाइप के तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि दी वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इनफाइनिट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स देखो जब भी लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो लिमिट की वैल्यू पुट करो आफ्टर दैट देखते हैं कि या तो लिमिट को पुट करने पर डायरेक्ट आपको उसकी वैल्यू क्या होगी फाइंड आउट अदरवाइज इट्स बिकम एनी इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्या है ये क्वाड्रेटिक है

के प्लस से क्या करो मल्टीप्लाई डिवाइड तो देन वी विल गेट लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू माइनस इनफिनिटी देखो इसके प्लस से तो करोगे डिवाइड तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के फोर एक्स इतना आने के बाद क्या होगा न्यूमीटर में दिस इनटू इसका प्लस तो क्या बन गया है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिस तो ये भी infinity, और अब क्या इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी तो ये आपकी बाय इनफिनिटी फॉर्म है तो ध्यान रखें जब भी लिमिट आपकी इनफिनिटी हो और वो इनफिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म हो तो आप ट्राई करो जिसकी वजह से इनफिनिटी है उस टर्म को कैंसिल करो तो इनफिनिटी किसकी वजह से एक्स की वजह से तो में एक्स है तो ड्यूमीटर में भी आप एक्स कॉमन लो तो ध्यान दो इन चारों में से क्या कॉमन लो आप एक्स स्क्वायर तो जब आप इसमें से एक्सर कॉमन लोगे तो बाहर क्या आएगा मोड मोडेक्स ध्यान रखें बहुत पार्ट यही है स्टूडेंट इस इसमें गलती कर देते हैं जब भी रूट से आप एक्सर कॉमन लोगे तो मोड मोडेक्स देखना है तो इसमें से मोड मोडेक्स कॉमन लोगे तो रिमेनिंग पार्ट इज वन प्लस फोर बाई एक्स और जब इसमें से भी आपने मोड मोडेक्स कॉमन लिया तो ये क्या आ गया

फिल करना है क्योंकि ऑप्शन में फोर भी दे रखा है अगर आप मोड एक्स नहीं लिखोगे सिंपल एक्स तो आंसर थर्ड टिक कर दोगे तो अभी इसका फोर्थ ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन क्या देखो दी वैल्यू ऑफ लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी ये एन है कॉस पाई रूट एन स्क्वायर प्लस एन कॉमा एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो थोड़ा समझने की ट्राई करो देखो एन एक जब आपका इनफिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो एन स्क्वायर प्लस एन की वैल्यू भी क्या होगी इनफिनिटी और एन आपका एक एन टेंडिंग टू इनफिनिटी का मीनिंग है एन इज ए लार्ज नंबर व्हाट इज एन नेचुरल नंबर तो इसके रूट की जो वैल्यू है वो क्या होगी एक लार्ज इंटीजर होगी तो उस लार्ज इंटीजर की अगर बात करोगे तो उसका आउटपुट कुछ भी हो सकता है वो इंटीजर भी हो सकता है वो नॉन इंटीजर भी हो सकता है और जो इंटीजर है वो पाई का इवन मल्टीपल भी हो सकता है और पाई का और मल्टीपल क्योंकि आगे मल्टीप्लाई में पाई है तो अल्टीमेटली इसमें अपने को क्या करना है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो आपको कि अदरवाइज आप डायरेक्ट तो जज कर ही नहीं सकते कि इसकी लार्जेस्ट जो लार्जर वैल्यू है वो क्या होगी इंटीजर होगी या नॉन इंटीजर तो उसके लिए क्या थीम है इसका क्या करेंगे अपन थोड़ा वाइनोवियल थ्योरम यूज करते हैं तो इसको लिखते हैं लिमिट एंड टेंस टू इंफिनिटी कॉस ब्रैकेट पाई इसमें एक काम करो जब भी आप वाइन थ्रम यूज करोगे तो फर्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए वन तो इसमें से एन स्क्वायर को मन लो तो बाहर क्या आ गया एन और यह आ गया वन प्लस वन वाई एन की पावर हाफ तो वाइन थ्रम के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे कॉस एन पाई ब्रैकेट क्या होती है थ्योरम वन प्लस एन एक्स दिस इन दिस वन वाई एन। प्लस अप टू सोन रिमेनिंग जितनी भी सारी टर्म प्रेजेंट होगा। जब आप इसको एन से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? पाई प्लस एन सेन कैन से दिस इज पाई बाई टू और रिमेनिंग जितनी भी टर्म्स है उसमें कौन प्रेजेंट होगा वन बाई एन और लिमिट कौन है आपकी एन टेंडिंग टू इन्फिटी तो एन टेंडिंग टू इन्फिटी पे ये वाला पार्ट तो चला जाएगा आपका जीरो में तो रिमेनिंग पार्ट क्या रह गया कॉस ऑफ एन पाई प्लस पाई बाई टू तो ध्यान दो कॉस पाई बाई टू प्लस समथिंग इज माइनस के साइन एन पाई यस सर और अब आप देखो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है बट एन एक क्या है इंटीजर नेचुरल नंबर है तो एक लार्ज नेचुरल नंबर को पुट करोगे तो क्या गया एन पाई का मल्टीपल है तो साइन एन पाई की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी बोलो जीरो तो इसका जीरो आंसर आपको

एन टेंडिंग टू इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स की पावर एन इसको फंक्शन बोला गया एफ एक्स तो अब ये थोड़ा आपको आईडी होना चाहिए एन अगर इन्फिटी है तो ये तो इन्फिनिटी आ गया और कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी जीरो से वन, तो कॉस स्क्वायर एक्स अगर एग्जेक्ट वन है तो एग्जेक्ट वन की पावर इन्फिटी तो क्या बन जाएगा वन वट अगर कोशिश स्क्वायर एक्स की वैल्यू वन से लेस है जीरो से वन तो जीरो से वन की पावर इन्फिटी की वैल्यू क्या होती है बेटा जीरो होती है तो इसके टू के साथ अराइज करोगे तो इसको लिखोगे एफ एक्स इक्वल टू एफ कोश स्क्वायर एक्स इज लेस देन वन तो जीरो आ गया और कोशिश स्क्वायर

और ये अगर पाई का और मल्टीपल तो कॉस यू की वैल्यू क्या बन जाएगी माइनस वन तो देखो ये आपको इसका थर्ड ऑप्शन फिल करना है है ठीक चलो हाँ, उसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है ये भी एक ठीक क्वेश्चन है समझो इफ एफ इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड दिस पार्ट ये आपको एक इक्वेशन गिवन है ये FX में इक्वेशन है इसमें एफ एक्स भी प्रेजेंट है और एक्स का फंक्शन भी प्रेजेंट है फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर ये जो एफ एक्स फंक्शन है आपका ये एक्स की ऑल वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस है

किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और अगर आप डायरेक्टली इसमें X की को और पुट करने के बाद फाइंड आउट तो उस और आफ्टर दैट उसमें एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो देखो अपन क्या करते हैं इन दोनों में से तो कॉमन लेते हैं एफ एक्स तो जब आप इन दोनों में से एफ एक्स कॉमन लोगे बेटा तो ये आ गया एक्स माइनस के रूट फाइव यस सर और रिमेनिंग पार्ट को भेज देते राइट right पार्ट में तो ये एक्स क्यूब उधर जाके माइनस का एक्स क्यूब हो गया ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो गया तो एक काम करो माइनस कॉमन ही ले लो ना तो क्या गया ये रूट फाइव प्लस वन इन टू एक्स और ये तो रिमूव हो गया तो क्या रह गया रूड फाइव माइनस टू इंटू एक्स तो ये प्लस की जगह माइनस का हो जाएगा ठीक है ना सॉरी माइनस तो ऑलरेडी कॉमन है तो ये आ गया प्लस एजेज रूट फाइव माइनस टू इंटू एक्स और प्लस टू रूट टू टू रूट फाइव ये लेने के बाद आप इससे डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने से क्या होगा इसको इसी में डिवाइड कर देते हैं, ये लिख देते हैं तो आ गया एफ एक्स इक्वल टू Minus bracket X cube, minus root five plus one into X square, minus root five minus two into X plus two root five upon X minus k root five.

और डिनोमीटर तो का डिनोमी डिफ्रेंशिएशन जैसी करोगे तो ये तो वन बन जाएगा और इसका डिफ्रेंशियन क्या होगा टू एक्स क्यूब टू एक्स और एक्स का वन और इसका जीरो जैसी वैल्यू परोगे रूट फाइव तो इसका फोर्थ ऑप्शन आ जाता है या फिर एक ऑप्शन और है कि लिमिट लगाने के बाद आप इसके फैक्टर भी कर सकते हो कैसे इन दोनों में तो कॉमन लेना स्क्वायर और इसमें लेना तो इसके फोर्थ ऑप्शन आपको फिल तो करना ठीक है तो इन छोटी मोटी बातों का आप ध्यान रखें चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस अल्फा एंड बीटा देन वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू वन वाई अल्फा वन माइनस कोस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए अपॉन टू वन माइनस अल्फा एक्स का होल स्क्वायर तो देखो कैसे करना है क्वेश्चन को पहले तो उसको ये समझो आप अगर x को वनवाई अल्फा पुट करोगे तो ये आ गया वन माइनस वन जीरो और इसमें जब x को वनवाई अल्फा लोगे तो देखो अलग से देख लेते हैं ये यह सी अपन अल्फा स्क्वायर प्लस बी वाई अल्फा प्लस ए तो अल्फा स्क्वायर जब आप एलसीएम लोगे बेटा तो क्या गया ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी और अल्फा स्क्वायर का रूट है तो क्या गया ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी जीरो तो जीरो तो अपन समथिंग जीरो तो जीरो, वन जीरो, तो जीरो बाई जीरो ऑप्शन जीरो जीरो तो तो स्टूडेंट बोलते है, सर, आप लगा दो, एल एक बात को सोचो इस पर रूट आ रहा तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा उसे कर सकते हैं लेंथी बन जाएगा तो ध्यान रखें जब भी जीरो बाई जीरो तो स्टैंडर्ड लिमिट है लिमिट एक्सटेंस टू जीरो

इसको फैक्टर थ्योरम की हेल्प से लिख सकते हैं। तो सिमिलरली, c x square plus b x plus a के रूट अगर 1 by इल्फा में 1 बीटा है, तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज c टाइम्स ऑफ x minus 1 by इल्फा इनटू x minus 1 by बीटा। ये स्टेप अपन को उसमें यूज करनी है, ठीक है? तो चलो लिखते हैं एक बार। तो देखो, लिमिट एक टेंस टू वन वाई अल्फा रूट ऑफ सुनो वन माइनस कोस ब्रैकेट क्या, क्या लिखोगे इसको सी इंटू एक्स माइनस वन वाई अल्फा इंटू एक्स माइनस वन वाई बीटा अपॉन टू इंटू वन माइनस अल्फा एक्स का ऑल स्कोर ये दिख रहा है कि x को साथ कोस हो हटाओ तो जीरो, जीरो, वन, वन जीरो, जीरो तो अलग तो 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 से सुन लो वन माइनस कोसा तो उसको क्या लिखोगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू तो वन सेवन चला गया तो क्या टू साइन तो देखो जब भी आप दिस थीटा तो क्या जाएगा ये ये जाएगा 2 साइन स्क्वायर दिस वाई टू तो टू से टू कैंसिल और इस पे भी स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर है तो दोनों से स्क्वायर हटाओगे तो मॉड लगाना ध्यान रखना इस बात को तो देखो क्या लिखेंगे इसके बाद तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगी बेटा अपनी लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू वन वाई अल्फा क्या लिखना है इसको टू साइन दिस वाई अपॉन दिस पार्ट टू से टू कैंसिल इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर तो रूट हटाओगे तो दोनों पे मोड लगा देते क्या आ गया मोड ऑफ साइन दिस वाई टू तो सी वाई टू इन माइनस वन वाई अल्फा, एक्स माइनस वन वाई बीटा और ये ये क्या वन माइनस अल्फा एक्स का मोड तो एक काम करो इसमें से आप एल्फा कॉमन ले लो तो एल्फा कॉमन लोगे तो क्या गया एक्स माइनस वन वाई तो माइनस को से भी कोई इफेक्ट नहीं होगा इतना आने के बार, सुनो, ये देखो, something something है। तो साइन दिस अपॉन दिस पार्ट अगर ये वाला पार्ट अपॉन में आ जाए तो साइन समथिंग अपॉन समथिंग इज वन इसकी वैल्यून बन जाएगी तो काम करो ये जो साइन के अंदर वाला पार्ट है इससे कर देते हैं। तो देखो कौन आ रहा है इसमें सीवाई टू एक्स माइनस एक्स माइनस तो देखो एक्स माइनस वनवाई अल्फा तो ऑलरेडी है एक तो क्या चाहिए सीवाई टू तो इसको क्या करो सी वाई टू से डिवाइड कर दो तो मोडी के अंदर करना है अंदर ही करोगे आप तो चलो इसको हटा देते हैं एक बार तो सीवाई टू से मल्टीप्लाई कर दो और x माइनस वन अपन बीटा से डिवाइड किया है तो इससे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ये अब ध्यान क्या ना होगा

तो इसका आंसर जाएगा मोड ऑफ सी अपोन टू बाई अल्फा ब्रैकेट में वन अपोन अल्फा माइनस वन अपोन इस तरीके से अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो देखते हैं इसके अकॉर्डिंग कोई ऑप्शन मैच करता है कि अपना यस सर सी अपोन टू अल्फा वन बाई अल्फा माइनस वन बीट तो इसका थर्ड ऑप्शन आपको फिल करना एक तो अच्छा क्वेश्चन है इसमें स्टैंडर्ड लिमिट को भी यूज करना है और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें क्वार्टिक का पार्ट यूज करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इज इसको आप डीएल रूल से करोगे बेटा तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगा एल ऑपीटर रूल से कि अगर आप न्यूमीटर का क्या करोगे न्यूमीटर में डिफरेंशिएशन और denominator का डिनोमीटर में फिर भी अपन को ये कुछ पार्टो तो क्वालिटी का यूज करना ही पड़ेगा ठीक चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन सिक्स का टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी Of FX 4X का 3X का स्टेप प्लस फ्रैक्शनल पार्ट इन जीरो से फाइव पाई आपको जीरो से फाइव पाइव फंक्शन है इसके टोटल नंबर ऑफ जिसमें स्टेप का मतलब और फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब पार्ट फंक्शन है तो देखो इस को करने की थीम क्या फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो एक्स जीरो से फाइव है तो फोर एक्स का इंटरवल क्या होगा जीरो से ट्वेंटी सिमिलरली थ्री एक्स का स्टेप क्या होगा जीरो से फिफ्टीन तो इसमें एक मेन पार्ट तो ये है ये अपन को एक प्रॉपर्टी से हेल्प से करोगे तो जल्दी आंसर आएगा अपन नहीं पढ़ा हुआ है पहली बात तो ध्यान है स्टेप फंक्शन और फ्रैक्शनल फंक्शन ऑलवेज इंटीजर पे क्या होते हैं डिसकंटिन्यूस जीआई फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आर डिसकंटिन्यूस एट इंटीजर सेपरेट की बात चल रही है फिर अपन ने कुछ प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है कि टू फंक्शन भाई एक फंक्शन तो इसमें जीआई फंक्शन है और एक आपका फ्रैक्शनल फंक्शन है टू फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो उनका समेशन और सब्ट्रैक्शन भी हमेशा क्या होगा कंटिन्यूस और एक फंक्शन तो कंटिन्यूस है और दूसरा फंक्शन क्या डिसकंटिन्यूस तो भी समेशन हमेशा क्या होगा डिसकंटिन्यूस टू फंक्शंस आर कंटिन्यूस देन देयर सब कुछ

ये जो 4x का स्टेप है जीरो से ट्वेंटी के बिटवीन टोटल सीधी सी बात है जीरो से ट्वेंटी में फोर एक्स की कंटिन्यूटी कहां चेक करोगे इंटीजर पे तो फोर एक्स आपका जीरो से ट्वेंटी में जीरो वन टू थ्री ट्वेंटी टोटल ट्वेंटी वन पॉइंट पे क्या होगा डिसकंटिन्यूस हो, क्या होगा बोलो डिसकंटिन्यूस मेरी बात को सुनो एक्स आपका जीरो से फाइव है फोर एक्स का इंटरवल जीरो से ट्वेंटी तो जीरो से ट्वेंटी में टोटल आपके ट्वेंटी तो में जो टोटल इंटीजर्स है लोग इंटीजियर तो आपका क्या होगा डिस्कंटिन्यूस तो जीरो से फिफ्टीन में टोटल आपके अगेन सिक्सटीन पॉइंट है जिसपे भी फंक्शन क्या होगा बोलो तो डिसकंटिन्यूस ये बात तो सुनो ये तो मैंने सेपरेट की बात की और उसके बाद इसको कैसे लिखते हैं फोर एक्स की वैल्यू कंटिन्यूस का होगी जीरो वन टू थ्री फोर फाइव अप अपटू से तो इसमें एक बात यह है जब आप फोर से डिवाइड करोगे तो एक्स कहेगा जीरो वन बाई फोर, फोर, फोर वन बाई टू थ्री बाई फोर वन फाइव बाई फोर अपू सेवन इसमें जब 3x की बात करोगे आप तो इसमें 3x की वैल्यू क्या अचीव होगी सुनो 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन तो x कितना जाएगा 0 1/3 2/3 1 अप टू 4/3 अप टू सो तो देखो इसमें मेन पार्ट ये है 4x आपका 21 पॉइंट्स पे डिस्कंटिन्यूस है और ये आपका 16 पॉइंट पे डिस्कंटिन्यूस है तो जो पॉइंट्स है आपके दिस और दिस इनमें जीरो मेरी बात को सुनो फोर से डिवाइड करना तो जीरो फोर बाई फोर वन तो ये पॉइंट तो दोनों में कॉमन है जीरो फोर जीरो वन टू थ्री फोर फाइव ये जो फाइव पॉइंट है जीरो वन टू थ्री फोर ये इन दोनों में कॉमन है मतलब एक्स इक्वल टू जीरो फोर फाइव और एक्स इक्वल टू जीरो फोर फाइव इन पॉइंटों तो पर यह फंक्शन भी डिस्कंटिन्यूस है और यह फंक्शन भी क्या डिस्कंटिन्यूस तो may or may not be discontinuous. तो तो इनका इसकी बात तो करेंगे बाद में उससे पहले देखो जो रिमेनिंग रिमेनिंग पॉइंट आपके डिफरेंट है तो जिन पॉइंटों पे जैसे लेट एक्स इक्वल टू वन बाई फोर है एक्स इक्वल टू वन बाई फोर पे ये फंक्शन अगर आपका 4 इसमें नहीं है

फोर एन का स्टेप फोर एन और थ्री एन का फ्रैक्शनल पार्ट जीरो का स्टेप और थ्री एक्स के फ्रैक्शनल पार्ट को आप को को लिख सकते हो बेटा थ्री एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ थ्री एक्स अब लिखते हैं अपन अगला क्या लिखोगे एल एच एल एन प्लस तो देखो एक्स को इनपुट करो 4n प्लस फोर से जस्ट ग्रेटर पार्ट का जी आई क्या होगा 4n ही होगा प्लस 3n और उसके बाद ये सॉरी स्टेप है 3n प्लस का स्टेप क्या होगा 3n तो ये अगेन कैंसिल आउट होकर क्या गया 4n और आफ्टर दैट एफ ऑफ एन माइनस की बात करोगे आप 4n माइनस का स्टेप 4n एन माइनस वन जैसे फोर एन का मतलब फोर प्लस का स्टेप थ्री सॉरी फोर माइनस का स्टेप थ्री तो फोर एन से जस्ट लेस इंटीजर क्या होगा फोर एन माइनस वन प्लस इसमें तो एज आ जा जा जाएगा 3N. और अगेन थ्री एन माइनस का स्टेप थ्री एन माइनस वन तो इसमें भी क्या होगा वन से वन चला गया थ्री एन से थ्री एन कैंसिल तो अल्टीमेटली इसमें भी एल एच एल क्या फोर एन तो एक्स अगर आपका इंटीजर है तो स्टेप फोर एक्स फ्रैक्शन पार्ट थ्री एक्स का जो समेशन है, उसमें फंक्शन की वैल्यू आर एच एल और क्या होगा डिसकंटिन्यूस होगा तो देखो तो ऐसे करना ये ट्वेंटी वन ये सिक्सटीन तो सोलह सत्रह थर्टी सेवन आ गए इक्कीस और सोलह सैतीस लेकिन इसमें जो इंटीजर पॉइंट है और वो इंटीजर पॉइंट है वो दो बार एड तो हमको दोनों बार हटाना है क्योंकि इंटीजर पे तो ये आपका कैसा है कंटिन्यूस है one, zero, one, two, three, four, तो जीरो, one, two, three, four, ही इसमें है और छह ये है तो छे और छे बारह मतलब आपने एक्स्ट्रा जोड़ दिया तो थर्टी सेवन में से जब ट्वेल्व माइनस करोगे तो इसका आंसर आपको फिल करना ट्वेंटी तो अच्छा क्वेश्चन था चलो उसके बाद देखो सेवेंथ क्वेश्चन का ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है इक्वल टू एक्स अगर जीरो से लेस है तो ये फंक्शन मानना है जीरो पे वी लेट करना है और पॉजिटिव पे गिवन फंक्शन है. है, है तो ये आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए जब एक्स पॉजिटिव है तो एक नॉर्मल एक रेशनल फंक्शन है तो रेशनल फंक्शन अपनी डोमेन में ऑलवेज क्या होगा कंटिन्यूस बी तो कॉन्स्टेंट है तो जीरो पे कंटिन्यूस है और जीरो से लेस पे एक्स और साइन एक्स फंक्शन है तो जब भी फंक्शन की डेफिनेशन किसी पॉइंट पे चेंज हो तो ओनली आप उसी पॉइंट तो करना है कि यह फंक्शन अगर एक्स की ऑल वैल्यू पे कंटिन्यूस है तो जीरो पे भी क्या होना चाहिए तो, तो अगर यह फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूस है तो एल एच एल आर एच एल फंक्शन तीनों की वैल्यू क्या होगी सेम तो क्या लिखोगे एफ ऑफ जीरो वैल्यू कितनी है बी फिर लिखते हैं एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो जब आप इसको रिटर्न करोगे तो इसमें क्या होगा जीरो पुट करने पर जीरो बाई जीरो है। तो कैसे करना है सबसे पहले तो एक काम करो इन दोनों में से एक्स कॉमन लो तो बाहर रूट एक्स तो रूटेक्स से रूट एक्स कॉमन आ जाएगा तो क्या जाएगा रूट एक्स तो कॉमन आ गया और रिमेनिंग पार्ट आ गया बेटा वन प्लस एक्स का रूट माइनस वन अपॉन एक्स की पावर फाइव बाई टू तो देखो ये रूट एक्स है, है तो रूट एक्स कैंसिल करोगे तो ये पावर कितनी जाती है बोलो आ जाती है ये लो X आ गया और जीरो पुट करने पे जीरो जीरो है जीरो तो जब भी रूट हो तो क्या कर दो उसका दोन तो क्या करेंगे इसके प्लस से कर दो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ये लो, ये प्लस किया, और ऐसे ही डिवाइड कर देते हैं ये लो। तो देखो क्या होगा जीरो पुट करने पे हाँ, एक बार, A -B A +B, तो ए स्क्वायर माइनस बी कितना जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन 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 चला गया तो एक्स स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्न एक्स ये वाला पार्ट एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो जीरो पुट करो उसमें तो वन एंड वन टू तो कितना आ गया एफ ऑफ जीरो प्लस की वैल्यू आ चुकी है वन वाई टू फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें अब लिखोगे आप एल एच एल एफ ऑफ अगेन वही सेम थ्योरी लिमिट x टेंस टू जीरो देखो इसमें तो सिंपल है जब आप x से सेपरेट डिवाइड करोगे तो x टेंस टू जीरो पे साइन एक्स अपोन एक्स कितना हो जाता है वन और ये भी हम जानते हैं कि x टेंस टू जीरो पे टेन एक्स अपन एक्स भी आपका वन है तो जब आप टेन को सेप पे डिवाइड करोगे तो क्या करना है इसमें ए प्लस टू से कर दो मल्टीप्लाई डिवाइड क्योंकि इसमें थीटा के साथ तो एक्स एक्स तो 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 अल्टीमेटली सोल्व करने पर जाएगा ए प्लस थ्री ये आने के बाद तीनों की लिमिट सेम कर देंगे एल एच एल आर एच एल फन की वैल्यू सेम करोगे तो एफ ऑफ जीरो बी तो बी इक्वल टू क्या करोगे हाफ तो b तो कितना गया हाफ और इसको a प्लस बी इक्वल टू क्या लिखोगे b तो b को हाफ लोगे तो ए जाएगा माइनस के फाइव बाई टू तो a तो होगा माइनस के फाइव बाई टू और b क्या होगा तो तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है है ठीक सिंपल तो सा क्वेश्चन है उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर एट क्या है लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वा फ्रैक्शन पार्ट माइनस फ्रैक्शन पार्ट एक्स का होल स्क्वायर देन मतलब तो आपको चेक करना है कि जो माइनस टू और किस पे फंक्शन कंटिन्यूसंटिन माइनस टू की बात करेंगे तो करते हैं स्टार्ट तो जब भी ध्यान रखो आप कंटिन्यूटी चेक करो या डिफ्रेंशी तो फ्रैक्शनल पार्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टेप में कन्वर्ट करोगे तो उसको लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का फ्रैक्शनल पार्ट ये अपन जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एक्स माइनस स्टेप एक्स तो एक्स की जगह क्या ले लो स्क्वायर स्क्वायर तो तो ये तो आ गया माइनस स्क्वायर का स्टेप और माइनस इसमें फ्रैक्शनल पार्ट का मीनिंग एक्स माइनस स्टेप एक्स का बस इतने रखो इसको छेड़ो मत आगे अब पहले टू पे चेक करो कंटिन्यूटी तो क्या करोगे एफ ऑफ टू एफ ऑफ टू प्लस और एफ ऑफ टू माइनस की वैल्यू चेक करोगे देखो एफ ऑफ टू तो क्या आएगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है तो टू माइनस टू जीरो जीरो और टू का फ्रैक्शनल पार्ट जीरो जीरो आएगा सिमिलरली जब आप माइनस टू पर बात करोगे तो एफ ऑफ माइनस टू भी क्या आने वाला है जीरो अब देखते हैं एफ ऑफ टू प्लस तो देखो सभी टू प्लस का स्क्वायर फोर टू प्लस का स्क्वायर फोर का स्टेप टू प्लस का स्क्वायर फोर प्लस का स्टेप इज अगेन फोर माइनस ब्रैकेट टू प्लस का टू प्लस का टू प्लस तो एज इट इज माइनस टू प्लस का स्टेप इज टू का स्क्वायर तो ये जीरो जीरो बोलो जीरो अब देखते हैं एफ ऑफ टू माइनस तो देखो टू माइनस का स्क्वायर तो नॉर्मल है तो फोर ही आना है माइनस टू माइनस का स्क्वायर टू से जस्ट लेस का स्क्वायर देखो टू का स्क्वायर फोर तो टू से जस्ट लेस का स्क्वायर क्या होगा फोर से लेस और फोर से लेस का स्टेप कितना जाएगा थ्री माइनस ब्रेकेट इधर तो टू माइनस टू से जस्ट लेस नंबर का स्टेप इज का स्क्वायर तो वन आ गया फोर फोर माइनस फोर अगेन जीरो इसका मीनिंग एक्स इक्वल टू टू पे तो ये फंक्शन कैसा है बोलो कंटिन्यूस है अब माइनस टू की बात करते हैं तो एफ ऑफ माइनस टू जीरो माइनस टू प्लस माइनस टू से जस्ट बड़ी वैल्यू तो देखो माइनस टू प्लस का स्क्वायर तो, तो फोर हो जाएगा आपका माइनस टू प्लस का स्क्वायर फोर प्लस का स्क्वायर हाँ सॉरी गलत बोल दिया मैंने इधर आओ ये माइनस टू इधर है तो माइनस टू से इधर लोगे तो क्या होगा माइनस टू का स्क्वायर तो फोर लिखना है माइनस टू प्लस का स्क्वायर नेगेटिव जब इधर वाले पार्ट का स्क्वायर करोगे आप माइनस टू से जस्ट लेस सॉरी माइनस टू से जस्ट ग्रेटर इधर होगी तो स्क्वायर क्या होगा से लेस होगा तो फोर से लेस का स्टेप थ्री हो जाएगा ये. क्या हो जाएगा बोलो थ्री माइनस सुनो ये तो माइनस टू लिखना आपको और उसके बाद माइनस टू से जस्ट ग्रेटर का स्टेप क्या होगा माइनस टू तो ये प्लस टू हो गया तो अल्टीमेटली ये सोल्व करने पे कितना आ गया बोलो वन आ गया तो इसमें तो फंक्शन की वैल्यू और माइनस टू प्लस पे वैल्यू डिफरेंट है तो थर्ड वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है तो ये फंक्शन टू पे तो होगा कंटिन्यूस और माइनस टू पे क्या होगा डिसकंटिन्यूअस तो इसके अकॉर्डिंग देखो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू टू एंड डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू माइनस के टू तो आपको इसका थर्ड ऑप्शन फेल करना है

अब आपको एक्स इक्वल टू वन पे डिफ्रेंशियबिटी चेक करनी है तो छोटी सी बात ध्यान रखें जब आपको पता है कि फंक्शन वन पे कंटिन्यूस है तो आप इसका क्या करो सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर दो क्या कर दो शॉर्टकट मेथड है डिफ्रेंशिएशन एवडेस एक्स इक्वल टू टू एक्स एक्स वन से लेस इसमें ए का तो जीरो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा रूट ऑफ वन माइनस वन प्लस सॉरी एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और एक तो हो एक्स तो एक 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 तो एक प्लस बी का तो वन हो जाएगा कोमा एक्सन इक्वल टू वन तो क्या करोगे x इक्वल टू वन पे फंक्शन अगर है, तो एल एच डीवल टू आर एच डी मतलब एफ डैस वन प्लस इक्वल टू एफ डैस वन माइनस तो एक बार तो x को वन इसमें पुट कर दो तो क्या आ गया वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस वन प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू अब तो बस आपको सिंपलीफाई करना तो एक काम करो इसका कर दो रेसिप्रोकल और स्कोरिंग भी कर दो तो क्या वन माइनस वन प्लस बी का ऑल इक्वल टू वन बाई फोर इसको दर्शि बी का प्लस माइनस रूट थ्री बाई फोर तो देन बीवल टू आ गया माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री बाई टू अब आपको पता है बी पॉजिटिव बोला गया तो आप प्लस साइन लोगे तो अल्टीमेटली बी की वैल्यू तो आ चुकी है

A आ गया बी आ गया दोनों को ऐड कर दो ए प्लस बी क्या होगा One, seven, cancel. तो answer जाएगा रूट थ्री बाई टू माइनस के रूट थ्री बाई टू माइनस के उसके बाद देखो टेंथ क्वेश्चन क्या है लेट एफेक्ट इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी साइन की पावर टू एन इंटू एक्स प्लस स्टेप के अंदर आ रहा है एक्स प्लस हाफ देखो इसमें भी जो चार देखते हैं तो सबसे पहले तो एक काम करो इस लिमिट एंड टेंस टू इनफिटी को सिंप्लीफाई करते हैं तो वही सेम थ्योरी क्या करना है सुनो इसको लो, क्या, क्या लोगे साइन स्क्वायर पाइएक्स की पावर अलग से देख लेते हैं साइन स्क्वायर पाई एक्स की पावर एन इसको सेपरेट सॉल्व करते हैं लिमिट सॉरी लिमिट एन टेन टू इन्फिटी तो वही सेम प्रोसीजर अगर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट वन है तो ये वन आ जाएगा अगर साइन स्क्वायर एक्स अगर वन है तो सिंप्लीफाई पे वन की पावर इन्फिटी या एग्जैक्ट वन और अगर साइन स्क्वायर पाई एक्स की वैल्यू वन से छोटी है तो जीरो से वन का स्टेप इज सॉरी जीरो से वन की पावर इन्फिनिटी जीरो ये लो। इन दोनों बातों को इसमें पुट करेंगे एफ के अंदर तो देखो एफ एक्स फंक्शन को क्या लिखना है इसको सीधा करली में ऐसे कर तो लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू अगर साइन एक्स आपका एग्जैक्ट वन है तो जो लिमिट वाला पार्ट था आपका इसकी वैल्यू तो क्या पट करोगे वन तो क्वेश्चन रह गया आपका वन प्लस एक्स प्लस वन टू का और अगर बाइचानस कर पाई इसका वन से छोटा है तो जीरो था तो क्या गया स्टेप के अंदर तो क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो थी अल्टीमेटली फंक्शन आ गया अब अपन इस पे वन और थ्री वाई टू पे इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं तो देखो इसमें एक काम करो साइन स्क्वायर पाइक्स इक्वल टू वन तो साइन पाई इक्वल टू प्लस वन क्या जाएगा अप एंड डाउन और नीचे तो क्या गया दोनों को क्या लिखते हैं शॉर्टकट में टू एन प्लस तो एक्स आ गया टू एन प्लस प्लस के मल्टीपल पे फंक्शन आपकी कंटिटी को क्या करेगा चेंज करेगा तो चलो लिखते हैं ये आ गया एफ एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स प्लस वन वाई टू ये तो आ गया एक्स इक्वल टू टू एन प्लस वन वाई टू और ये नोट इक्वल टू कर दो उसको ये लो तो क्या होगा स्टेप एक्स प्लस हाफ तो अब देखो सीधी सी बात है वन से तो कोई दिक्कत नहीं है एक्स प्लस हाफ अगर आपका है, तो पे क्या होगा? और अगर है, तो जैसे एन को वन लिया तो एक्स इक्वल टू थ्री बाई टू आ गया तो एन को वन टू थ्री फोर फाइव पुट करोगे आप तो ये जो एक्स की वैल्यू है ये आपकी वन बाई टू का मल्टीपल है तो वन बाई टू के मल्टीपल पे सोनो के मल्टीपल पे

एक्स इक्वल टू वन पे क्या होगा तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू वन एंड थी बाई टू रॉन्ग डिस्कटिन्यूस एंड कंटिन्यूस एट x इक्वल टू वन एंड कंटिन्यूस एटल टू थी टू देन इसका आपको अगेन थर्ड ऑप्शन फिल करना है बेटा उसके बाद देखो इलेवेंथ क्वेश्चन क्या है दी सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर

एफ डेस एक्स इक्वल टू पहले रूट का करोगे तो वन अपॉन टू रूट वन माइनस की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और वन का जीरो और इसका क्या होगा माइनस ए e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस स्क्वायर का माइनस के टू एक्स जीरो और इधर कोस स्क्वायर एक्स का टू कोस एक्स साइन एक्स माइनस के तो ये हो जाएगा माइनस टू साइनस कोश एक्स दिस इज माइनस साइन टू एक्स अब देखो माइनस माइनस प्लस टू सी टू कैंसिल तो रिमेनिंग पार्ट इज एक्स पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपन रूट ऑफ वन माइनस एक्स आप करो डिफरेंशिएशन अब कुछ नहीं करना यह एवडेस एक्स आ गया अब सिंपल सी बात एवडेस एक्स जब आपका क्या होगा नॉट डिफाइन होगा उन पॉइंटों पे फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूस होगा सॉरी नॉन डिफरेंशिएबल तो देखो साइन टू एक्स तो ऑलवेज

एल एच डी आरएचडी एग्जिट कर भी सकती नहीं अगर जीरो पे एल एच डी आर एच डी दोनों की वैल्यू इक्वल हो और फाइनेट हो तो फंक्शन क्या होगा जीरो पे डिफरेंशियबल अदरवाइज नॉन डिफरेंशियबल तो देखो एक्स को जीरो पे जीरो आ रहा है तो आपको जीरो पे केवल ये ये देखना है कि फंक्शन की लिमिट क्या होगी तो केवल लिमिट चेक कर लो आप अलग से तो अपन ये लिख लेते हैं कि लिमिट एक्सटेंट क्योंकि सिंपल सी बात है आपको एफडे जीरो चेक करना है तो जीरो प्लस जीरो माइनस दोनों पे इसकी LHD, चेक हो जाएगी। तो क्या लिमिट तो जब एक्स को जीरो बाई तो जीरो, जीरो बहुत तो कॉम्प्लेक्स है तो इसमें करना क्या है आप इसमें डिनोमिनेटर में की पावर माइनस तो देखो क्या होगा लिमिट एक्सटेंस टू जीरो एक्स इ e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ वन माइनस हाँ भाई ई e की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा वन प्लस एक्स प्लस एक्स का बाय टू सोन लेकिन माइनस है तो वन माइनस एक्स प्लस एक्स का बाय करवाई टू अपू सोन तो क्या लिखेंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फोर वाई फैक्टर टू अपू सोवन देखो वन सेवन कैंसिल ये प्लस रही माइनस तो इन सब में से क्या को मना कॉमन आ रहा है तो रूट से जब एक्स स्क्वायर कॉमन क्या आएगा मोड एक्स को मनाएगा क्या आएगा बोलो बाहर मोड एक्स कॉमन तो अल्टीमेटली क्या आ गया लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन मोड एक्स और रिमेनिंग पार्ट आ गया वन माइनस एक्स क्योंकि सब में आने वाला है तो जीरो पुट करने पे ये तो सब जीरो, तो ये तो जीरो वन आ गया e की पावर जीरो भी वन एक्स अपन मोड तो सिंपल तो सी बात जीरो प्लस पे तो इसकी वैल्यू वन होगी और जीरो माइनस की वैल्यू माइनस वन है उधर तो क्या था माइनस टू एक्स तो हमेशा जीरो होगा तो जब एफ डेस जीरो प्लस की बात करोगे तो एफ डे जीरो प्लस तो वन आ जाएगा और एफ डे जीरो माइनस आपका वन है इसका मीनिंग क्या है कि ये फंक्शन एक्स इक्वल टू जीरो पे नॉन डिफ्रेंशियबल होगा तो इसने क्या पूछा है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज डिफरेंशियबल तो इसका आंसर क्या होगा आर माइनस जीरो तो देन आपको इसका थर्ड ऑप्शन टिक करना है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स पूछा है जीरो से इनफिनिटी मत टिक करना सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स सभी बिंदु तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा लेट एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स नॉन जीरो एक्स जीरो पे जीरो मानना है वेयर जी एक्स इज एवन फंक्शन

ए प्लस एच माइनस ये एल एच डी का फॉर्मूला पता होना चाहिए तो एफ डे जीरो अकॉर्डिंग सबसे पहले लिखते हैं F -0 का मीनिंग क्या, बाकी सब बाद में तो लिमिट ऑफ एच पुट कर दो तो क्या गया एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो माइनस तो ये फंक्शन आ गया तो कितना जाएगा जी एच साइन बनवाइए और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू तो क्या जीरो तो जब ये पुट करोगे इसमें तो अल्टीमेटली बेटा एफ डे जीरो को आप लिख सकते हो एफ डे जीरो इक्वल टू सुनो लिमिट एच टेंस टू जीरो जी ऑफ एच साइन वन बाई एच अपॉन एच अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है जब आप एच को जीरो लोगे तो ये जीरो और जी ऑफ जीरो भी इसमें अल्टीमेटली जीरो है वो कैसे इसका काम हो चुका है, है, है। देते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन समझने की ट्राई करें। ये को डिफाइन किया है। में बोला गया जियो ऑफ जीरोक्ल टू जीरो बताओ जी ऑफ जीरो जीरो है तो जीरो बाई जीरो जीरो बाई जीरो साइन फिफ्टी माइनस वन टू वन एनी नंबर तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट है तो देखो कैसे करेंगे जी एक्स कैसा फंक्शन है इवन फंक्शन है तो सबसे पहले क्या लगोगे जी एक्स इक्वल टू जी ऑफ माइनस एक्स और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है एक बार इसका फंक्शन का करना मेरे को डिफरेंशिएशन तो जी डैस एक्स क्या जाएगा माइनस के जी माइनस के एक्स तो बेटा जब इसमें एक्स को जीरो लोगे तो देखो जी डैश जीरो की वैल्यू भी क्या जीरो क्योंकि जी डैश जीरो जीरो तो जी डैश तो जीरो जीरो आ गया इसका मीनिंग ये है,

एच माइनस जी ऑफ जीरो जी ऑफ जीरो जीरो आ गया तो कितना आ गया इससे जी डे टू लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो जी एच अपन एच बोलो हा है ना। ये फंक्शन अगर एक्स की ऑल वैल्यू पे कंटिन्यूस है डिफ्रेंशियबल है तो जी डे जीरो की वैल्यू को लिख सकते हैं अपन लिमिट एच टेंस टू जीरो जी एच माइनस जी जीरो जीरो है तो देखो ये आ गया लिमिट एच टेंस टू जीरो पे जी एच एच की वैल्यू कितनी होगी जीडेस जीरो जीरो पे एच को जीरो 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 इन टू माइनस वन टू वन एनी नंबर तो, तो क्या बन जाएगा आपका जीरो तो एवडेस जीरो की वैल्यू आपको जीरो फिल करनी है इसमें देखो उसके बाद थर्टीन क्वेश्चन करते हैं

फाइव बाई टू प्लस पे जो वैल्यू है वो क्या होगी एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस की वैल्यू के इक्वल आप एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस लिखो एफ ऑफ पाई बाई टू क्योंकि दोनों सेम ही फंक्शन है तो ध्यान दो एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस इसमें तो पाई बाई टू प्लस का मतलब वन समथिंग का स्टेप वन तो ये आ गया ए पाई माइनस वन क्या आ गया बहुत सिंपल क्वेश्चन है ए पाई और इक्वल टू पाई बाई तो इसमें एक सीधी बात है अपन को पता है कॉस इनवर्स कॉस को थीटा लिख सकते हैं अगर थीटा जीरो से पाई है

अरे यार इसका क्या बताना डिफरेंशिएशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो जिसकी वैल्यू पूछी गई वो क्या जाएगा ट्वाइस ऑफ पहले करें y क्यूब का तो 3y स्क्वायर और y का y1 या dy दी dx कर दो और ये आ गया y2 y1 का मीनिंग डी dx और y2 का मीनिंग d2y स्क्वायर प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज d2y/dx2 का क्या होगा y3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना सिक्स वाई वाई टू वाई क्यू इसकी वैल्यू आपको देखनी है Px और P dash, P तो एक अपन की की तो इस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स का करते दो तीन तो क्या वाई स्क्वायर का टू वाई वाई वन इक्वल टू पी डैश एक्स एक बार और कर देते हैं तो कितना जाएगा फर्स्ट इनटू सेकंड 2 y का y1 तो y1 का स्क्वायर प्लस 2 इस बार y1 का करोगे तो y2 और इक्वल टू आ गया p डबल डश x यस yes, सर उसके बाद क्या करो एक बार और करते हैं ट्रिपल डैश तक फिर सबको यूज करके देखते हैं इसकी वैल्यू क्या हो सकती है क्योंकि जिसकी वैल्यू पूछी गई इसमें y3 आ रहा है तो ट्रिपल डैश तक बात करनी पड़ेगी अपन को तो कर देते हैं तो मैं लिख सकता हूं इसको हाँ वाई वन स्क्वायर का क्या होगा फोर वाई वन और वाई वन का वाई टू प्लस इसका फर्स्ट इन टू से तो पहले करते हैं वाई का तो क्या जाएगा टू वाई वन वाई टू प्लस इस बार वाई टू का करोगे तो वाई थ्री आ जाएगा तो क्या आ गया टू वाई वाई थ्री इक्वल टू पी ट्रिपल डेस एक्स अब केयरफुली देखो ये बन गया सिक्स तो आ गया सिक्स y1, y2 वाई टू प्लस टू वाई वाई थ्री इक्वल टू ये अल्टीमेटली दिस पार्ट आ गया अब थोड़ा केयरफुली सुनो ये जो है अपने पास इन दोनों में देखो वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है जैसे ही वाई स्क्वायर कॉमन लोगे बेटा तो ब्रैकेट में क्या आ गया सिक्स वाई वन वाई टू प्लस टू वाई थ्री यस सर और देखो वही चीज है तो 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 इसकी जगह तो आ गया p triple x, और बेटा है तो इसका इसका आंसर क्या होगा आपको करना उसके बाद देखो फिफ्टीन क्वेश्चन क्या है वैल्यू बतानी है शो दैट दी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस पार्ट इज कंटिन्यूस फॉर ऑल बिलोंग्स टू आर तो सेम थ्योरी जब आप इसमें एक्स को जीरो पुट करोगे तो ये अपन में जीरो आ गया कोस जीरो, वन, वन वन जीरो।, जीरो, वन, वन वन जीरो मतलब ऑफ की वैल्यू के लिए जब क्या करना है आप लिखोगे सीधा एफ ऑफ जीरो वन माइनस कोस ऑफ वन माइनस कॉस एक्स अपन एक्स की पावर फोर और अब ध्यान दो अब इसको अपन स्टैंडर्ड इस लिमिट से करने की ट्राई करते हैं देखो सबसे पहले तो इधर वन के साथ कोस है तो वन के साथ कोस हटा दो तो कोस को क्या लिखोगे वन माइनस टू साइन स्क्वाई टू तो ये आ गया लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस कोस इसकी जगह क्या लिखना है बोलो टू साइन स्क्वायर एक्स टू एक्स की पावर फोर और अगेन वन के साथ कोस इसको ठीक मानो तो वन माइनस को सीटा को टू साइन मतलब तो अल्टीमेटली आ गया लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो साइन स्क्वायर एक्स वाई टू, टू, तो टू, टू अपॉन एक्स की पावर फोर और अब इसको केयरफुली देखो जीरो लेने पे साइन जीरो 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 बाई जीरो

साइन स्क्वायर एक्स बाई टू तो अपोन में क्या लगा दो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू तो स्क्वायर तो उस पर लगाओगे होल स्क्वायर यस सर तो क्या आ गया साइन स्क्वायर दिस पार्ट तो साइन फोर से आपने डिवाइड किया तो so, मल्टीप्लाई भी करोगे साइन की पावर फोर एक्स बाई टू से और अपोन में क्या एक्स की पावर फोर तो देखो जीरो पे ये भी जीरो और ये भी जीरो तो so, अपन को थीम ये रखनी है ये थीटा है तो फिर ये भी थीटा होना चाहिए तो so, ये दो क्या हो गया बोलो वन

क्ल टू के और के बिलोंग टू इंटीरियर वेप आपको क्या करना है एल एच डी की वैल्यू फाइंड आउट तो क्या करते हैं देखो सबसे पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो एल एच डी का फॉर्मूला तो एल एच डी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं F माइनस पॉइंट ए की बात चल रही है तो लिखोगे लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस के एच चलो वैल्यूज पट कर देते तो आप उनको किस पॉइंट पे चेक करना है एट एक्स इक्वल टू के और के बिलोंग्स टू इंटीजर तो एफ डेस के माइनस इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ के अपॉन एच अब अपन चलो फंक्शन की वैल्यू पर कर देते हैं इसमें. तो लिमिट एच टेंस टू जीरो अपॉन में तो क्या माइनस एच अब ध्यान दो ब्लैक बोर्ड पे सभी एफ ऑफ के जब एक्स को के लोगे तो साइन पाई के आपका इंटीजर है तो साइन पाइ की वैल्यू क्या होगी जीरो तो ओनली के माइनस एच तो क्या जाएगा स्टेप के माइनस एच साइन पाई के माइनस एच तो ये आ गया अल्टीमेटली पाई के माइनस पाई एच यस सर अब देखो क्या करना आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो एच अगर जीरो से जस्ट ग्रेटर है तो के माइनस जीरो से जस्ट बड़ा तो के एच अगर आपका जीरो से जस्ट बड़ा है तो के माइनस एच की बेटा क्या होगी के माइनस वन एच की वैल्यू जीरो से जस्ट ग्रेटर तो के माइनस जीरो से जस्ट ग्रेटर तो के माइनस वन का स्टेप तो हो जाएगा के माइनस वन के से जस्ट लेस वैल्यू का स्टेप क्या होगा के माइनस वन तो उसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो के माइनस वन साइन पाई के माइनस है क्या बोलो के इविनि इफ के बिलोंग टू इविन नंबर के अगर आपका, है। के है। के के अगर आपका है। जैसे के को टू लेट किया तो साइन टू पाई माइनस समथिंग टू पाई माइनस समथिंग फोर क्वारेंट में होगा और के अगर ओड मल्टीपल है तो थ्री 5π फाइव पाई तो फाइव पाई माइनस समथिंग आपका सेकेंड फोर्थ क्वार में तो साइन नेगेटिव और सेकेंड में साइन पॉजिटिव तो प्लस माइनस का इफेक्ट होगा तो के इवन होगा तो साइन इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस समथिंग इज माइनस साइन समथिंग तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो क्या रहेगा लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो के माइनस वन साइन

अगर के आपका ऑड नंबर है तो क्या होगा ये माइनस होगा तो केवल माइनस का इफेक्ट हो जाएगा इसमें क्योंकि अगर लोगे तो थी पाई थीटा, तो ये माइनस एज इट आंसर होगा माइनस टाइम ऑफ के माइनस वन इन टू पाई अब अपन को इन दोनों आंसर को एक साथ मर्ज करना है तो सिंपल सी बात है के इवन है तो आगे वन आ रहा है और के ऑड है तो माइनस आ रहा है इसका मतलब माइनस वन की पावर लिख दो उसको आप लिख माइनस वन की पावर के तो ये आ गया माइनस वन की पावर के के माइनस वन पाए तो देखो ना के को अगर आप इवन वैल्यू पुट करोगे टिविन तो ये तो, वन हो गया. तो के माइनस वन इन टू पाई हो गया और, और लोगे तो माइनस वन तो देन इसका आपको फर्स्ट ऑप्शन फिल करना है बेटा उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्या है

एक्स प्लस वन माइनस एक्स से करने पे होगा माइनस के ए एक्स स्क्वायर माइनस के ए एक्स और माइनस बी से करने पे आ जाएगा माइनस के बी एक्स माइनस बी अपॉन एक्स प्लस वन और इसकी लिमिट की वैल्यू क्या बने आपको एक्जेक्टली फोर तो देन अगेन लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी ये लिखने के बाद देखो क्या करोगे इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन तो क्या आ गया वन माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सिंप्लीफाई करते हैं इनमें एक्स कॉमन लो तो एक्स कॉमन लेने पे क्या होगा वन माइनस ए माइनस बी इन टू एक्स लिखी दिया सॉरी दो दो, और प्लस कॉन्स्टेंट वन माइनस बी अपॉन एक्स प्लस अब आप ध्यान दो क्या करना अपन को ये अपन को ऑलरेडी पता है कि जब लिमिट इन्फिनिटी हो ये भी एक पॉलीनोमियल फंक्शन है ये भी आपका पॉलीनोमियल फंक्शन है अगर डिग्री ऑफ न्यूमीटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमीटर तो वैल्यू क्या होगी प्लस इनफिनिटी की तरफ करती है क्यों क्योंकि एक 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 तो 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 कॉमन आके इसको कैंसिल कर देगा तो वन तो जीरो, तो वन आ गया बट जो सिंगल होगा उसको पुट करने पे इसकी वैल्यू या तो क्या होगी प्लस इनफिनिटी या माइनस इनफिनिटी इट्स डिपेंड ऑन वन माइनस ए तो बेटा दिस अपॉन दिस की वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए तो उसके लिए डिग्री ऑफ न्यूमीटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमीटर अगर न्यूमीटर की डिग्री और डिनोमीटर की डिग्री अगर क्या हो सेम हो तो देन उस लिमिट की वैल्यू क्या होगी एग्जैक्ट वैल्यू होगी हो तो इट इज वेट को जीरो कर दो वन माइनस ए आपका जीरो आ गया तो इससे तो वी विल गेट ए इक्वल टू वन अब क्या करना है इसके बाद देखो इसका मीनिंग जब ए आपका जीरो आ गया ए वन आ गया इसका ये तो आपकी क्या होगी तो कैंसिल तो जब न्यूमीटर इन्फिटी इन्फिटी की डिग्री और तो तो इधर से जब एक्स कॉमन लोगे तो, लो तो ये तो वन आ गया और अपॉन में क्या आ गया एक्स और एक्स टेंस टू तो इन्फिटी पे वन अपॉन इन्फिटी जीरो और दिस पार्ट इज अगेन जीरो हटाओ तो क्या रह गया दिस पार्ट अपॉन वन इक्वल टू फोर तो ये आ गया वन माइनस ए माइनस बी इक्वल टू फोर ए आपका वन है तो ये कैंसिल आउट तो बी इक्वल टू क्या जाएगा माइनस के फोर तो देन ए की वैल्यू तो वन होगी बेटा और बी की वैल्यू क्या होगी माइनस के फोर तो देन इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा उसके बाद देखो 18 क्वेश्चन में क्या करना है इट्स ए गुड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें स्टूडेंट बेसिक जनरली गलती कर देते सोल्व करने में

लेट करो डोमेन में और अगर एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू पे सोल्व करने पे एक्स वन इक्वल एक्स वन इक्वल इनपुट पे करोस्डिंग आउटपुट होगा डिनोमीटर तो में भी लीनियर फंक्शन है तो ये फंक्शन हमेशा कैसा होता है यह करके देख लो आप क्या करोगे कि लेट करो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू तो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेट करोगे तो देखो क्या गया b माइनस एक्स वन अपॉन वन माइनस बी एक्स वन इक्वल टू बी माइनस एक्स टू अपॉन वन माइनस के बी इसको क्या कर देते मल्टीप्लाई तो पे क्या आ गया b माइनस एक्स वन को वन से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया b माइनस एक्स वन फिर इससे करोगे तो क्या जाएगा माइनस के बी स्क्वायर एक्स टू माइनस के बी एक्स वन एंड एक्स टू ये प्लस का हो गया बेटा इक्वल टू इससे करोगे तो क्या होगा b माइनस एक्स टू माइनस बी स्क्वायर एक्स वन प्लस देखो ये टर्म b ये दोनों तो क्या होंगे कैंसिल आउट तो देखो इसको दे ले आओ तो क्या आ गया एक्स टू माइनस एक्स वन और माइनस इन दोनों को लिखोगे तो क्या होगा इसमें बी स्क्वायर कॉमन ले लो माइनस बी स्क्वायर तो आ गया अगेन एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो अपन कॉमन ले सकते हैं ना इसमें गलती कर दी प्लस होगा सॉरी तो क्या आ गया एक्स टू माइनस एक्स वन जब आप कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आ गया बी स्क्वायर माइनस देखो इस सी के बाद इसमें मेन पार्ट तो ये था एक तो आ गया एक्स वन और बी स्क्वायर मतलब बी इक्वल

तो फंक्शन तो क्या वन वन। अब अगर फंक्शन वन वन है तो अब आप बात करोगे मतलब इनवर्स की, तो on तो की बात करेंगे बाद में और इसकी रेंज आपको चेक करनी है किसी भी फंक्शन की रेंज अगर क्या हो कोडोम इक्वल तो फंक्शन क्या होगा बोलो ऑन टू तो रेंज के लिए क्या करो इसको वायलेट कर दो ध्यान रखें जब भी क्वेश्चन क्या हो लीनियर लीनियर न्यूमीटर में भी लीनियर हो, में लीनियर। तो उसकी रेंज फाइंड करने का ऑप्शन के के जस्टिफाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करो तो वाई माइनस बी एक्स वाईक् टू बी माइनस एक्स इन दोनों में एक्स कॉमन लोगे तो क्या गया वन माइनस बी वाई सॉरी हाँ 1- b y into x और ये आगे b minus k y ultimately इससे x की वैल्यू सर आपने चीप की b minus y अपन 1 minus b अब x डिफाइन कब होगा जो y नॉट इक्वल टू 1 y भी अब आप समझो अगर b जीरो से बन है तो 1 अपन b की वैल्यू क्या होगी 1 से ग्रेटर मतलब जैसे b को आपने आधा लिया तो y नॉट इक्वल टू आ गया मतलब इसकी रेंज में इसकी रेंज क्या होगी इसकी रेंज होगी y बिलोंग्स टू r 1 b इसका मतलब इसकी रेंज r के इक्वल नहीं है बट कोडोमेन r है तो रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल नहीं है इसका मतलब फंक्शन क्या होगा many one वन, वन वन तो होगा बट ऑन टू नहीं होगा तो आप इसका इनवर्स फाइंड आउट कर ही नहीं सकते अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं इसमें ज्यादा सोचते नहीं है और आप देखो ये x आ गया तो इनवर्स फंक्शन के लिए क्या करते अपन एक्स की वैल्यू वाई की एक्स को मानते हैं, हैं तो अगर आप तो क्या करते F F X. हैं एफ इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स थर्ड ऑप्शन टिक कर देते फटाफट से बट इनवर्स फंक्शन तो जब चेक करोगे जब फंक्शन क्या होगा वन वन ऑन टू और फंक्शन वन वन तो है बट ऑन टू नहीं है तो आप आंसर टिक करोगे एफ इज नॉट इनवर्टेबल ऑन जीरो टू वन तो देन इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दी वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस रूट पाई माइनस रूट टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स इज इक्वल टू देखो कैसे करना है बेटर ऑप्शन तो यही है देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो जब एक्स को डायरेक्टली आप पुट करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसने वन माइनस क्यों लिखा है क्योंकि साइन इनवर्स की जो रेंज डोमेन है वो क्या होगी माइनस वन से वन तो लिमिट का क्या है या तो ए प्लस या ए माइनस पे चेक करोगे तो वन प्लस पे तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इसने ऑलरेडी मेंशन कर दिया आप इसका केवल एल एच एल चेक करोगे ठीक है ना तो एक्स को जो पुट करोगे तो साइन इनवर्स वन पाई बाई टू रूट पाई माइनस रूट पाई जीरो बाई जीरो जीरो बाई जीरो सोल्व करने का मेथड क्या है एक तो ऑप्शन होता है अपने पास डीएल रूल लगाओ एल ऑपिटल रूल बट उससे तो क्वेश्चन क्या होगा कॉम्प्लेक्स क्यों क्योंकि इसमें रूट आ रहा है तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म आपकी चलती रहेगी बार बार तो क्या करें जब भी क्वेश्चन रूट में हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका क्या करोगे रेस्टलाइजेशन तो कर देते हैं तो आ जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू वन माइनस हाँ इसके प्लस से क्या करोगे मल्टीप्लाई डिवाइड तो ये आ गया वन माइनस एक्स इधर आ गया रूट पाई प्लस रूड टू साइन इनवर्स एक्स और न्यूमीटर में क्या होगा दिस इनटू दिस पार्ट तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये आ गया पाई माइनस टू साइन इनवर्स एक्स अब इतना आने के बाद एक काम करो आप साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हो पाई बाई टू माइनस कोस इनवर्स एक्स जैसे आप टू से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई से पाई चला गया माइनस माइनस प्लस अपना क्वेश्चन रूट ऑफ वन माइनस एक्स आगे देखो एक्स को वन माइनस लेने पे कॉस्ट इनवर्स वन की वैल्यू जीरो और वन जीरो ये तो जीरो बाई जीरो बट जब आप वन इसमें पुट करोगे तो इसकी वैल्यू तो ऑलवेज क्या होगी रूट पाई प्लस रूट पाई टू रूट तो इससे इसकी लिमिट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा तो इसकी तो वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर दो उसमें तो क्या टू रूड पाई टू से टू कैंसिल कर देना तो आपका क्वेश्चन आ गया बेटा अपॉन रूट पाई आप पुट एक्स इक्वल टू थीटा तो, तो जैसे ही आप एक्स को मीनिंग ऐसे समझो ये आपका लेट कोशिटा का डायग्राम है ये थीटा है, ये है। इधर तो आप खुद सोचो ना, थीटा की वैल्यू जीरो से जस्ट बड़ी लो फिर भी होगी की 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 जीरो, प्लस लो? जीरो की वैल्यू क्या होगी ऑलवेज वन से लेस तो इसमें लिमिट क्या लगानी थीटा टेंस टू जीरो अब यह मत लिखना थीटा टेंस टू जीरो माइनस नो लिमिट दोनों होंगी इस बार तो क्या लिखेंगे थीटा टेंस टू जीरो Inverse, theta upon, ये आ गया, theta, और ध्यान रखें जब भी वन के साथ तो क्या करते वन के साथ स्क्वायर तो तो है तो क्या जाएगा रूट टू साइन स्क्वायर टीटा बाई टू और मोड हटाओगे रूट से तो मोड लगाना है सॉरी स्क्वायर हटाओगे रूट से तो क्या लगाना है मोड और रूट बाई अब ध्यान दो अब इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा हुआ है कॉस इनवर्स कॉस थीटा को थीटा कब लिखते हैं जब थीटा जीरो से पाई है बट इसमें थीटा की वैल्यू जीरो प्लस भी होगी और जीरो माइनस तो इसमें दो के सराइज करेंगे तो चलो करते हैं आगे ऐसे लिखते हैं इफ थीटा टेंस टू जीरो प्लस सीधा आर एच है, राइट हैंड लिमिट तो क्या जाएगा थीटा अगर जीरो प्लस है तो इनवर्स से उट तो ये आ गया थीटा रूड टू पा साइन तो गया और ध्यान दो ये बाई टू कर दो मल्टीप्लाई बाई टू तो साइन थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू ये तो क्या होगा वन तो टू अपॉन रूट टू तो अल्टीमेटली सोल्व करने पर क्या आंसर अं आ जाएगा टू अपॉन टूड पाई वारी एल भी चेक करो क्योंकि हो सकता है कि डज नोट आंसर हो सके तो एल में क्या होगा समझो लिमिट थीटा टेंस टू जीरो माइनस अगर थीटा जीरो माइनस है तो कोस इनवर्स से कोस को कैंसिल आउट नहीं कर सकते तो उसके लिए क्या करते हैं इसको आप उसकी ब्रांच में लेके आओगे तो कोस इनवर्स कोस आप इसको लिखो पाई प्लस थीटा तो क्योंकि थीटा जीरो से जस्ट छोटा लोगे

से कैंसिल पाई माँनेस पाई थीटा अल्टीमेटली इसको सोल्व करने पे ये भी क्या गया माइनस की थीटा तो इसमें बेनिफिट ये हुआ कि माइनस से माइनस कैंसिल और अगेन वैल्यू आपकी क्या होगी रूट टू अपॉन पाई तो देन इसमें एल एच एल आर एच एल दोनों की वैल्यू क्या होंगी सेम होंगी तो आप इसका थर्ड ऑप्शन फिल करोगे बेटा

दूसरा भी ऑप्शन है बट ये सिंपल होगा अपने लिए तो समझो एक्स अगर जीरो से बड़ा है तो वन ये आपका फंक्शन आ गया ऐसे ही एक्स वन का मोड। केवल आपको उसको जीरो पे चेक करना है क्योंकि जीरो पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी आपकी चेंज होगी ये पॉइंट आ गया जीरो कॉमा वन अब उसके बाद समझो एक्स को जीरो लोगे तो आ गया ए कोमा जीरो तो अगर आपने ए को उधर मान लिया तो जीरो आ गया और बाद में तो वैल्यू क्या करेगी ए पॉजिटिव है तो वैल्यू क्या करेगी इसकी नीचे जाएगा एक्स को पॉजिटिव तो तो इक्वल टू माइनस नीचे की की तरफ होगा तो आप समझ सकते हो अगर वैल्यू से लेस होगी या से ग्रेटर होगी तो ये फंक्शन आपका एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या बन जाएगा डिस्कंटिन्यूस क्या बन जाएगा डिसकंटिन्यूअस और आप समझ सकते हो देखो ऐसे समझो एट एटैक्स टेंस टू जीरो पे एफ ऑफ जीरो प्लस की वैल्यू तो क्या होगी वन और एफ ऑफ जीरो माइनस की वैल्यू क्या होगी ए अब आप ये देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑप्शन में ओनली एक्स ए की वैल्यू वन और टू है तब तो आप ये देखो ए अगर आपका टू आ गया इसका मीनिंग एक्स टेंस टू जीरो पे क्योंकि अपन को जी ऑफ एफेक्स की जो कंटिन्यूटी चेक करनी है वो ओनली कहा चेक करनी है जीरो पे तो आप खुद समझ सकते हो ऐसे समझो इसको अपन लिख सकते हैं जी ओ एफ ऑफ जीरो माइनस और एक बार जी ऑफ एफ ऑफ जीरो प्लस तो एक बेटा अगर ए आपका वन के अलावा डिफरेंट होगा तो एफ ऑफ जीरो प्लस वन मतलब एफ ऑफ जीरो प्लस वन तो जी वन जी वन का मतलब इनपुट वन इसमें होगा तो भी वैल्यू भी होगी और अगर एफ ऑफ जीरो माइनस की बात करोगे तो जीरो माइनस पे अगर यह वन नहीं होगा क्या नहीं होगा वन तो फिर ये वैल्यू इसमें हो भी सकती है और नहीं भी होगी मेरी बात समझिए तो देन, क्योंकि ये करेगा एक ही क्या है अगर मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा जब आप ए को क्या लोगे वन लोगे तो अगर ए आपका वन है तो फिर अपन इसकी कंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं ठीक है तो ए तो आ गया वन अब समझो तो ए को वन लोगे तो फंक्शन इसी पॉइंट से पास हो जाएगा आपका तो fx फंक्शन आपका क्या जाएगा बोलो कंटिन्यूस। अब अपन देखो इस क्वेश्चन को अगेन कैसे ट्राई करते हैं अब सीधी सी बात है कि अगर ये फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूस है तो एक बार तो जीरो पे देखो g ऑफ f ऑफ 0 प्लस की वैल्यू क्या होगी तो g 0 प्लस 0 जीरो प्लस पे fx फंक्शन का आउटपुट क्या होगा 1 तो आ गया g ऑफ 1 और g ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी बोलो b उसके बाद जी एफ ओफ जीरो माइनस अगर आप एफ ऑफ जी एफ ओफ जीरो माइनस की बात करोगे तो जी एफ जी ऑफ एफ ऑफ जीरो माइनस तो देखो जीरो माइनस पे आगे नहीं क्या होगा वन की तरफ अप्रोच करेगा तो क्या आ गया जी ऑफ वन और अब देखो जी ऑफ वन की वैल्यू के लिए

तो ये फंक्शन जीरो पे क्या होगा कंटिन्यूस अब इसमें नया पार्ट क्या है तो मतलब इससे तो बी कुछ भी हो सकता है इसके अकॉर्डिंग बट एक बात को सोचो ये जो जीएक्स फंक्शन है आपका अब जीएक्स फंक्शन की बात समझे थोड़ा जीएक्स फंक्शन आपका एक्स इक्वल टू जीरो पे क्योंकि इस फंक्शन की सिंपल सी बात ये थी कि जब एफ एक्स इसका एक अंदर वाला फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन है तो एफ एक्स जीरो पे वन की तरफ टेंड करता है

वन प्लस बी और जी ऑफ जीरो जब इस एफ एक्स का आउटपुट जीरो की तरफ ट्रेंड करेगा एफ एक्स का आउटपुट जीरो कब होगा ए तो अपना तो वन है जब एक्स को लोगे ध्यान दो अपन इसको एक्स इक्वल टू वन पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं एट x इक्वल टू क्योंकि a को अगर आपने मन ले लिया a को क्या ले लिया बोलो वन क्योंकि सिंपल सी बात ये है g of FX के होने के होने लिए ये फंक्शन का होना मस्ट है क्योंकि जीएक्स फंक्शन अगर जीरो पे क्या गया डिस्कंटिन्यूस आ गया तो एक बात बताओ जब एफ एक्स का आउटपुट जीरो होगा एफ एक्स का आउटपुट क्या होगा जीरो तो उस केस में जियो फेफेक्स आपका क्या बन जाएगा डिस्कोट सीधी सीधी बात है

ए को वन लेना और बी को जीरो तो ए को वन लोगे और बी को आप क्या लोगे जीरो तो इसके अकॉर्डिंग इसका आपको थर्ड ऑप्शन फिल करना है बेटा ठीक है चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में क्या करना है लेट एफ इक्वल टू आपको क्या बने नाइन एक्स स्क्वायर माइनस वन का मोड और एक्स स्क्वायर का स्टेप ये जीरो से बने वन, वन से टू में तो बताओ जो फंक्शन एफ है तो किन पॉइंटों पे कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल है तो चलो अपन पहले सिंपल ऑप्शन है किसका डायग्राम बना दो आप सीधी सीधी बात है नाइन एक्स स्क्वायर माइनस वन का एक बार अफली सॉरी नाइन एक्स स्क्वायर माइनस वन का डायग्राम कैसे होगा यू अब पेरा बोला जीरो पे वन ठीक है, फिर इसका मोड़ लोगे आप तो मोड पे डायग्राम ये बन जाएगा ये पॉइंट है वन थ्री। और ये माइनस के वन थ्री। आपको केवल डायग्राम कौन सा चाहिए, जीरो से लेके वन मतलब वन का मतलब इधर को आ रहा हुआ है तो जीरो सेवन में नाइन एक्स स्क्वायर माइनस वन का मोड़ का डायग्राम क्या लेना दिस पार्ट इतना सा पोर्शन तो चलो पहले इसको बना देते प्रॉपर तो ये आ गया दिस पार्ट बाद में दिस पार्ट जीरो पे वैल्यू ये वन देता है ये जीरो कौन बना गया और वन पे वैल्यू ये बहुत बड़ी देगा कुछ भी उससे कोई फर्क पड़ना भी नहीं है ये वन बाई थ्री है ये आपका वन कॉमा जीरो है और वन पे वैल्यू आ जाएगी आपकी ये एट ये तो हो गया अब वन से टू इस में इसमें वन को इंक्लूड नहीं करना है तो इस पॉइंट पे लगा दो होल बना दो वन से टू में क्या होगा एक्सक्वाइनस टू एक्स का स्टेप तो पहले काम करो एक्स स्क्स एक्स का स्क्वायर माइनस इसके बीच में होगा कहीं तो वन पुट करने पे क्या माइनस के वन तो वन से टू में ये डायग्राम कौन सा होगा दिस पार्ट अब इसका क्या लेना स्टेप स्टेप का मतलब मोड लेना तो ध्यान दो जब एक्स की वैल्यू न से टू तो इसका आउटपुट आएगा माइनस वन से जीरो और माइनस वन से जीरो का स्टेप बेटा माइनस वन होगा तो वन से टू में तो इसका आउटपुट आ जाएगा और टू पे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी जीरो, मतलब इसको पे क्या करना अपन को ब्रेक करना है तो देखो समझो क्वेश्चन को ये फंक्शन आपका वन और टू पे तो क्या है डिसकंटिन्यूस देखो इसने लिखा हुआ है डिफरेंशिएबल ऑन जीरो से टू जीरो पे ओपन है

क्या के मोड का प्लस देखो हर ऑप्शन में आपको -triple pi by 2 और माइनस पे चेक करना कि क्या वैल्यू होगी तो चलो इस फंक्शन का थ्राइस टाइम आपको क्या करना है डिफरेंशिएशन। तो वेट ऑप्शन क्या है इसका मोड ओपन कर दो ये मोड आपका पाई बाई टू पे जीरो है तो पाई बाई टू पे आप इस फंक्शन को ब्रेक कर दें इफ x लेस देन पाई बाई टू और इफ x ग्रेट देन बाई टू प्लस तो देखो बाई टू से जस्ट लेस लोगे तो ये वैल्यू कैसी होगी नेगेटिव तो नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होगा तो ध्यान रखें अगर मोड़ के अंदर वाला पार्ट नेगेटिव है तो मोड़ को माइनस साइन के साथ ओपन करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका पाई एक्स का क्यूब हो जाएगा ठीक है और प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो लिखने लिखना है और अगला पार्ट क्या होगा एज इट इज एक्स माइनस क्यूब प्लस साइन एक्स। अब इसका अपन इजीली टाइम क्या कर वेस्ट तो बहुत होगा सीधा अपन क्या लिखेंगे की की इंटरवल दोनों है तो देखो जब एक बार करोगे तो कितना आ गए थ्री पाईवाई टू माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर और माइनस एक्स का माइनस वन ठीक है जब एक बार और करोगे करो, तो इधर क्या आएगा सुनो प्लस साइन स्क्वायर का टू ये आ जाएगा साइन टू एक्स ठीक है माइनस एक्स का माइनस वन तो प्लस हो गया और साइन टू एक्स का प्लस टू कोस यह हो गया दो बार और तीसरी बार करोग किया जाएगा पाईवाई टू का जीरो माइनस एक्स का माइनस वन तो माइनस सिक्स माइनस टू साइन टू एक्स यस सर ये तो आ गया फर्स्ट का माइनस सिक्स माइनस टू साइन टू एक्स और देखो अगले में क्या होगा अगले में केवल साइन स्क्वायर का तो सेम आने वाला माइनस टू साइन टू एक्स बट इसमें माइनस रिवर्स है तो माइनस की जगह जाएगा प्लस सिक्स तो जाएगा सिक्स माइनस टू साइन टू एक्स अब खुद सोचो जब एक्स को पाई बाई टू इधर पुट करोगे तो साइन पाई जीरो सिक्स आंसर आ गया मतलब F तो आ रहा, 6, और एफ ट्रिपल डेस बाई टू पे इसका ट्रिपल डे एक्स क्या होगा एग्जिस्ट तो देखो एफ ट्रिपल डे टू माइनस माइनस आंसर है एफ ट्रिपल डे बाई टू प्लस ये भी ट्रू है एफ ट्रिपल डेस पाइव नॉट इक्वल टू यस सर ये भी ट्रू है

प्लस एक्स की, की पावर वन वाई एक्स की लिमिटेंट टू जीरो जब भी वन की पावर इन्फिटी हो तो क्या लगाते हैं की पावर में लिमिट लगा दो और पावर को तो ले मल्टीप्लाई में और बेस में से वन कर दो माइनस तो कितना आ गया सोल्व करने पे ई आ गया मतलब एक्स टेंस टू जीरो पे 1 प्लस एक्स की एक्स की पावर वैल्यू क्या होगी होगी e e तो तो सुनो ये आ गया तो एक्सपेंशन जीरो, जीरो जीरो, तो जीरो जीरो तो कुछ जानते नहीं अपन इसका एक्सपेंशन अपन अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे कर तो क्या करो इसको वायोलेट करो आप वाईक्वल टू वन प्लस एक्स की पावर वन

एक एक तो इसमें से तो तो अपॉन में x आ तो अपना x से काम चल जाएगा ठीक है चलो एल एन वाई तो वाई की वेल्यूची तो एल एन को शिफ्ट ई की पावर में चला गया तो क्या गया e की पावर दिस पार्ट और एक काम करो इस वन को तो सेपरेट कर दो आप तो क्या गया ई डॉट ई की पावर माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स स्क्सू इससे क्या पढ़ते वन प्लस एक्स वाई फैक्टर तो कब तक लिखना है एक्स क्यूब तक क्योंकि इसमें एक्स है ना तो एक्स क्यूब तक बात करोगे आप तो इसका एक्सपेंशन स्टार्टिंग की फोर टर्म तक लिखोगे आप तो देखो क्या जाएगा वाई इक्वल टू डॉट ब्रैकेट में क्या लिखोगे वन प्लस एक्स का मतलब माइनस एक्स वाई टू प्लस एक्स स्क्वायर वाई थ्री माइनस एक्स क्यू बाई फोर हायर टर्म तो इसकी जीरो में चले जाएंगे ये आ गया प्लस क्या होगा दिस वाई टू का ऑल स्क्वायर अपॉन वन वाई फैक्टल टू और एक वाल हो गए प्लस वन बाय फैक्टूल थ्री दिस पार्ट का क्यूब ये लो। ये आपका आ गया एक्सपेंशन अब ये एक्सपेंशन वाई आ गया इस वाई की वैल्यू को इसमें पुट करने के बाद क्वेश्चन बहुत सिंपलेस्ट हो जाएगा तो अब देखो कैलकुलेशन कैसे करनी है इसको रिमूव कर देते हैं तो क्वेश्चन आ गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अपॉन में तो क्या होगा एक्स क्यूब अब इधर सुनो जब आप इस वाई की वैल्यू को इसमें पुट करोगे तो देखो ई से मल्टीप्लाई करने पे सीधी सीधी बात है ई और e e तो सब में क्या आ गया कॉमन ये लो तो इसको तो ले लो बाहर तो बचा क्या ई कॉमन आ गया तो ई को हटा देते तो ये आ गया वन प्लस दिस पार्ट प्लस वन वाई फैक्ट्रल टू दिस ब्रैकेट का होल स्क्वायर प्लस वन वाई फैक्ट्रल थ्री दिस ब्रैकेट का होल क्यूब यस सर अब देखो इधर से रिमूव कर दिया आपने तो हो गया, गया? एक्स वाई टू और माइनस एक्स, वन वन एक्स वाई टू से एक्स वाई टू कैंसिल आफ्टर देखो ये कितना है माइनस इलेवन बाई फोर सॉरी माइनस इलेवन बाई ट्वेंटी फोर एक्स कैंसिल आउट होने वाली कैसे देखो इसमें तो की टर्म ट बाई थ्री इधर लिख के देख लेते हैं कितनी बोलो वन थ्री। उसके बाद, जब आप इसकी क्या करोगे स्क्वायरिंग करोगे क्या करोगे एक्स तो स्क्वायर वाई फोर इससे फोर इससे सिक्स और टू ए बी पे एक्स क्यूब की टर्म मिलने वाली ये सर तो देन जब इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो स्क्वायर ओपन करने पे क्या आएगा गए एक्स स्क्वायर फोर तो आ गया प्लस वन वाय एट और ये करने के बाद जब इसका क्यूब करोगे तो सीधी सीधी बात है क्यूब करने में तो एक्स तो कॉमन आ गया ना तो मिनिमम क्या होगा एक्स क्यूब तो उससे प्रेजेंट नहीं होगा और इसको सोल्व करने पे इसकी वैल्यू क्या होगी इलेवन वाय ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वायर और ये माइनस का है तो ये भी क्या होगा कैंसिल आउट अब उसके बाद कौन सी टर्म आने वाली है एक्स क्यूब की तो देखो एक्स क्यूब की टर्म क्या होगी उसी से आपको मतलब है क्योंकि बाद में क्या होगा एक्स क्यूब आपका कैंसिल आउट तो देखो x क्यूब की टर्म किससे मिलेगी एक तो क्या गया इससे तो ये क्या माइनस के बना भाई फोर ये लो एक x क्यूब की टर्म आपको इसके अंदर आने वाली है क्यों देखो जब आप दिस पार्ट का होल स्क्वायर करोगे क्या करोगे होल स्क्वायर तो देखो ए स्क्वायर पे स्क्वायर बी स्क्वायर पे फोर जब इसका टू ए बी करोगे तो देखो आगे ना एक्स तो इसका टू क्या होगा माइनस टू का मीनिंग हाफ और बी का मीनिंग वन बाई ये one by two तो ध्यान रखना क्योंकि आप तो कितना जाएगा ये 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 आ गया ये लो. क्या गया लो क्या और बेटा जब इसका क्यूब करोगे तो सीधी सीधी बात है क्यूब करने पे एक्स क्यूब तो कॉमन आ गया ना तो क्या गया वन बाय फैक्टूल थ्री एक्स क्यूब कॉमन ले लो एक्स कॉमन लेने पे क्या माइनस के हाफ प्लस के एक्स वाई थ्री अब टू सोन अब इस पे क्यूब है तो देखो a क्यूब क्योंकि बाकी तो पावर क्या करेगी इनकी तो a क्यूब पे क्या हो जाएगा -k 1/8 और 1/6 -k 1/24 अल्टीमेटली ये इसका क्या जाएगा बोलो x क्यूब का कोफिशिएंट तो x क्यूब कैंसिल तो इसका आंसर आ गया e into 24 इसका एलसीएम लोगे 24 जब एलसीएम लोगे एक मिनट को कुछ इसमें मिस्टेक है मामूली सी e3 द सॉरी टू माइनस वन बाई एट और फैक्टर दिखो सिक्स फोर्टी एट होगा सॉरी क्या होगा फोर्टी तो एट क्योंकि इसी ऑप्शन में वेरीफिकेशन है ये फोर्टी एट है सॉरी तो ये फोर्टी एट तो सी में क्या गया फोर्टी बारह माइनस के बारह माइनस के एट और माइनस के नाइन तो कितना आ गया बारह बीस इक्कीस माइनस के ट्वेंटी वन ई वाई फोर्टी एट और इसको थ्री से कैंसिल करोगे तो क्या गया माइनस सेवन ई अपॉन सिक्सटीन तो देन इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है ठीक है देख तो सिंपल ठीक क्वेश्चन था इसमें मेन पार्ट था इसका एक्सपेंशन लिख के उसको सिंपलीफाई करना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि दी वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सचेंज टू जीरो प्लस दिस पार्ट इज जीरो प्लस ये सारे स्टेप फंक्शन है तो देखो इस क्वेश्चन को करने की थीम क्या है इसको अपन को यूज करना है इसमें सैंडविच थ्योरम तो देखो अपन जानते हैं कि स्टेप एक्स इज लाइज बिटवीन एक्स माइनस वन से एक्स ये लिखते ना तो वन अपॉन एक्स की लिमिट क्या होगी लाइज बिटवीन वन वायस माइनस वन से वन वाय

तो तो क्या जाएगा आपके क्वेश्चन का ब्रैकेट वाला पार्ट ये लो ये दिस पार्ट x से बाद में मल्टीप्लाई करना और राइट right साइड में क्या होगा देखो अपॉन में तो राइट साइड right में क्या होगा सेम दिस पार्ट तो इसकी वैल्यू क्या होगी वन से लेके एन का सम एन इन टू प्लस पे सुनवाई टू तो पंद्रह सोलह 120 x आ गया क्या आ गया बोलो 120 x और इधर क्या आ जाएगा 120 x ध्यान दो क्योंकि इसका सम भी क्या होगा 120 x और 111 कितनी बार है n टाइम्स सॉरी 15 टाइम तो क्या आ गया 15 इतना करने के बाद अब क्वेश्चन के मल्टीप्लाई में क्या लाना है x तो आप क्या करो उसको x से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या गया? आ गया 120 के 15x ये अपना क्वेश्चन आ गया और इधर आ गया वन ट्वेंटी। अब जब जीरो वन ट्वेंटी से तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा उसके बाद देखो सिंगल चॉइस का ये लास्ट क्वेश्चन है उसके बाद बात करते हैं इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस की तो देखो क्या करना है इस

पहले इस पावर की बात करते हैं आप वन माइनस एक्स को लिखोगे वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स और अपॉन में कौन है वाला पार्ट कैंसिल आउट तो न्यूमीटर में सॉरी पावर तो क्या होगी एक्स टेंस टू वन पे वन एंड वन टू और ये आ गया वन एंड वन टू तो ये तो पावर क्या होगी फोर इक्वल टू वन अपॉन फोर की पावर फोर ठीक है ना बेस में क्या करना ध्यान दो फर्स्ट और फोर्थ में तो कॉमन लो आप ए तो ब्रैकेट में आ गया क्योंकि फॉर्म फॉर्म है, है ये भी भी और पावर इंटरमीडिएट पे इंटरमीडिएट स्टेट में क्या हो जीरो को क्या करो कर देते हैं फोर तो तो exactly आ गया टेंस टू फोर सॉरी इधर कॉमन लिया और ये आ गया माइनस साइन एक्स माइनस वन और अपॉन इसमें तो ये जीरो, ये जीरो, जीरो। तो से क्या करो एक्स माइनस वन आप कॉमन लो तो अगेन ये क्या बनेगी स्टैंडर्ड लिमिट अपन जानते हैं कि लिमिट चाहे कुछ भी हो साइन एक्स अपॉन एक्स अगर आपका दोनों जीरो की तरफ टेंड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा वन होती है तो क्या ए माइनस साइन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन और अपॉन में क्या गया वन प्लस साइन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन तो ध्यान दो अगेन एक्स टेंस टू वन पे ये जीरो बाय जीरो में, तो इसकी वैल्यू भी वन होगी और इसकी वैल्यू भी क्या होगी वन होगी तो इसको पुट कर देते तो ये क्वेश्चन आ गया ए माइनस वन अपोन टू की पावर इक्वल टू वन बाय जब इसका फोर्थ रूट लोगे तो क्या होगा लगाना सॉरी तो देन देस वन इक्वल टू प्लस माइनस के हाफ जब आप टेकिंग प्लस लोगे तो वन प्लस हाफ इज थ्री बाई टू तो ए थ्री बाई टू होगा और टेकिंग माइनस लोगे तो क्या होगा ये वन बाई टू अब देखो इसमें जो ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन ओनली हाफ

पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है कुछ नहीं कह सकते क्योंकि से नहीं होगा। इसलिए इसमें वन से बड़ा लेना है तो इसका थ्री बाई टू आंसर करेक्ट है तो देन इसका ओनली सेकेंड ऑप्शन ही आपको फिल करना बेटा अब अपन बात करते हैं सेक्शन डी तो देखो सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सेक्शन डी के फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि लेट एफ बी ए फंक्शन ऑन से थ्री इफ इट्स टेक ओनली वैल्यूज फॉर ऑल एक्स एंड कैसे करोगे इसमें दो बातें जो अपन को समझनी है फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो वो आपका एक वेव कर्व ऑप्शन हो सकता है में ये जीरो, ये वन, और ये लेट आपका थ्री है तो वन से थ्री में अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है और टेक ओनली रेशनल क्वांटिटी टू पे आपको क्या गिवन है वैल्यून तब आप समझ सकते हो बाकी जो पॉइंट है उसपे वैल्यू क्या होगी टेन की नियरेस्ट हो सकती है तो आप ये समझो कि जब टू पे वैल्यू टेन है तो वन से थ्री में जब ऑलरेडी मेंशन किया गया कि वन से थ्री में टेक ओनली तो दिस फंक्शन टेक ओनली रेशनल वैल्यूज फॉर ऑल एक्स एक्स की ऑल वैल्यू के लिए अगर रेशनल वैल्यू

क्योंकि फंक्शन अगर आपका कॉन्स्टेंट है लेट एफ एक्स इक्वल टू सी तो अब ठीक है ये वन ये थ्री टू पे वैल्यू टेन है तो वन से थ्री के जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे भी क्या वैल्यू होगी टेन तो देन अपन बोल सकते हैं कि हाँ इट टेक्स ओनली रेशनल वैल्यू तो ध्यान भी रखें अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि एफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन एन टेक्स ओनली रेशनल वैल्यूज फॉर ऑल एक्स तो आपको फंक्शन को ऑलवेज कर लेना कॉन्स्टेंट फंक्शन तो एफ एक्स इक्वल टू सी आ गया तो एफ ऑफ टू टेन तो सी कितना आ जाएगा टेन मतलब कॉन्स्टेंट फंक्शन आ गया एफ एक्स इक्वल टू टेन देन एफ ऑफ वन पॉइंट फाइव की वैल्यू भी क्या होगी आपकी टेन होगी तो आपको इसका टेन आंसर फिल करना ठीक इसका आंसर फिल करोगे उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है सेकंड क्वेश्चन में एक लिमिट सोल्व करनी है आपको लिमिट एक्सटेंस टू जीरो एल एन

और एक स्टैंडर्ड लिमिट ये यूज करेंगे इसमें लिमिट एक्स टेंस टू जीरो e की पावर वन की भी क्या बन तो 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 गया वन क्वेश्चन क्या रहेगा लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो ये आ गया एक्स स्क्वायर और अब सुनो एल एन वन प्लस समथिंग इसमें भी क्या करो एल एन वन प्लस एक्सक्वायर प्लस एक्स की पावर फोर तो इसको भी बेटा एक्स x, x की पावर फोर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते क्यों तो क्योंकि तो पे ये भी जीरो, ये भी भी तो LN1 जीरो जीरो तो वन? तो फॉर्म इसकी वैल्यू क्या होगी अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या रहेगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो जीरो तो करना था सिंपल सा क्वेश्चन हो गया उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है ये एक अच्छा क्वेश्चन है इसको थोड़ा समझने की ट्राई करें आप एक फंक्शन माइनस वन से वन टू माइनस वन टू वन इनपुट भी सेम आउटपुट भी सेम वी फंक्शन सेटिस्फाइंग टू एफ ऑफ एक्स स्क्स बिलोंग्स टू माइनस वन से वन इस कंडीशन को क्या करता है, अगर 0, 1, गिवन है तो बताओ सिक्सटीन एफ ऑफ बाई फोर की वैल्यू क्या होगी तो देखो क्वेश्चन को करने की थीम क्या थी देखो जब आप इसमें x को वन वाई फोर पुट करोगे तो क्या गया एफ ओ वन वाई फोर इक्वल टू एफ ओ वन वाई फोर का स्क्वायर ऐसे ही जब आप इसमें x को वन वाई फोर का स्क्वायर पुट करोगे तो क्या मिलेगा एफ ओफ वन बाई फोर का स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ वन वाई फोर एक्स की जगह क्या लेना है पावर फोर इक्वल टू वन अपॉन वन अपॉन फोर की पावर टू फोर एट ऐसे ही प्रोग्रामिंग चलती रहेगी आपकी मतलब दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस सो तो आप लिख सकते हो एफ ऑफ वन वाई फोर इक्वल टू एफ ओ वन वाई फोर स्क्वायर इक्वल टू एफ ओ वन वाई फोर की पावर फोर डॉट 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 एफ ओ वन वाई फोर की पावर एट और ऐसे ही डॉट डॉट इक्वल टू एफ ऑफ वन वाई फोर की पावर टू में ले, ले, ले लेते हैं वन टू थ्री फोर ऐसे चलती रहेगी प्रोग्राम कुछ भी हो सकता है अपन इसको टू में कन्वर्ट कर सकते हैं टू का स्क्वायर का क्यूब सारा कुछ होगा तो जब आप आपको सोचो एन एक लार्ज नंबर है, N आप जब आपका की की तरफ टेंड करेगा, पावर की पावर 8, 4 की पावर ऐसे बढ़ेगी तो अपॉन पावर, जब N की तरफ टेंड करोगे, तो ये क्या समझे तो वैल्यू टू जी जाएगी आपकी एन टेंडिंग टू लोगे तो वन अपॉन इन्फिटी जीरो तो एफ ओ वन बाई फोर दिस पार्ट दिस पार्ट इन सबकी वैल्यू क्या होगी एफ ऑफ जीरो के इक्वल और एफ ऑफ जीरो आपको गिवन है 1 बाई फोर तो 16 इन टू दिस इज ऑल्सो वन बाई तो देन इसका फोर आंसर आपको फिल करना तो एक अच्छा सा क्वेश्चन था उसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है कि लेट f एंड g वी डिफरेंशियबल फंक्शन सच दैट एफ थ्री फाइव है जी थ्री सेवन है एफ डैश थ्री थर्टीन है जी डैश थ्री सिक्स है एफ डेवन टू है एंड जी डैश सेवन जीरो मतलब एच डैश थ्री जी तो क्या करे सिंपल इसका कर दो डिफरेंशिएशन तो क्या होगा एच डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश जी एक्स इन जी एक्स तो x को थ्री पुट करने पे क्या गया H डैश थ्री इक्वल टू एफ डैस जी थ्री इंटू जी डैश थ्री तो देखो वैल्यूज पुट करो F डैस जी थ्री की वैल्यू क्या है बेटा सेवन तो आ गया f डैश सेवन और G डैश थ्री की वैल्यू क्या है सिक्स तो इंटू में क्या गया सिक्स और बाद में F डैश सेवन की वैल्यू क्या है टू तो टू इंटू सिक्स इज इसका ट्वेल्व आंसर आपको क्या करना है फिल करना ठीक है चलो और उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन देखें ये भी एक सिंपल लिमिट का क्वेश्चन है बस इसमें स्टेप इस का यूज करना है आपको लिमिट एक्सटेंड टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स का स्टेप प्लस ट्वेंटी वन साइन एक्स अपॉन एक्स का स्टेप देखो एक्स को जीरो लेने पे ये जीरो बाय जीरो फॉर्म ये भी जीरो बाय फॉर्म है तो इसको देखो करने की थीम क्या है क्वेश्चन को

फर्स्ट इस में इसमें तो लाना है साइन एक्स अपोन एक्स तो जब आप एक्स से डिवाइड करोगे एक्स पॉजिटिव है तो साइन नॉट चेंज तो ये आ गया इसको ट्वेंटी मल्टीप्लाई कर दो तो ट्वेंटी ही आप इसका स्टेप लोगे तो ट्वेंटी वन से जस्ट लेस का स्टेप क्या होगा ट्वेंटी तो इससे तो क्या आ ट्वेंटी और जब आप साइन एक्स को डिवाइड में लेके जाओगे तो क्या वन गैन एक्स अपॉन साइन एक्स कि इसकी बात करोगे इसको 11 से मल्टीप्लाई करो तो ग्रेटर है, 11 11 है तो जब इसका लोगे, तो इसकी क्या ट्वेंटी होगी? होगी. तो और इलेवन इज थर्टी वन सेम प्रोसीजर क्या होगा जब एक्स टेंस टू जीरो माइनस लोगे तो जीरो माइनस पे इसको रिवर्स करोगे साइन देन एक्स क्या लिखोगे साइन एक्स इज ग्रेटर

DTS, no. 14 का, जिसका टॉपिक है सोल्यूशन लिक्विड सोल्यूशन के बारे में रहे हैं फर्स्ट नंबर प्रेशर ऑफ ए सोलवेंट इज सेवनटीन पॉइंट फाइव एम एम एच डी वाइल डेट ऑफ इट्स डायलूट सोलूशन सेवनटीन पॉइंट फोर फाइव दूल फ्रैक्शन ऑफ देंट इज एक विश पदाप सेवनटीन पॉइंट फाइव एम एम एच डी है जबकि इसके तनु विलियन का 17.45 है तो विलायक की मोल बिन आपसे पूछी गई है, ओके राउल्ट लो अगर अपन अप्लाई करें तो अपन को मालूम है कि p नॉट माइनस ps अपॉन p नॉट जो होता है वो होता है x ऑफ द सॉल्यूट बट आपको तो क्या चाहिए टेक्स्ट ऑफ द सॉल्वेंट चाहिए अगर x ऑफ द सॉल्वेंट चाहिए तो आप लिख दो 1 x ऑफ द सॉल्वेंट सॉल्यूट तो इसका मतलब सॉल्वेंट इधर जाएगा तो ये वाली टर्म्स इधर आएगी अगर ये वाली टर्म्स इधर आएगी तो आपको वन माइनस पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नोट इट इज इक्वल टू इट इज इक्वल टू एक्स ऑफ दी सॉल्वेंट हो जाएगा इसे अगर आप सोल्व करते हैं तो ये बन जाएगा पीएस अपॉन पी नोट इट इज इक्वल टू एक्स ऑफ सॉल्वेंट ये हो सकता है ठीक है ये हो जाएगा और आप चाहते हो कि एक डायरेक्टली है तो डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं पीएस जो होता है वो ये होता है पी नॉट इनटू एक्स ऑफ दी सॉल्वेंट जो वोलेटाइल कंपोनेंट होता है इससे भी आ जाएगा तरीका एक ही है ठीक पी है पीएस की वैल्यू दे रखी है 17.45 डिवाइडेड बाय 17.5 इट इज इक्वल टू एक्स ऑफ दी सॉल्वेंट ये लीजिए अब इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 1 है सॉल्वेंट की फ्रैक्शन जो आएगा ऑलमोस्ट वन है तो वन के नियरेस्ट वाला आंसर दे दिया जाए ठीक है से कम है बट ये ध्यान रहे तो वन से ज्यादा वाले ये तो होंगे नहीं ये तो गलत हो गए ठीक है क्या वैल्यू बहुत कम है क्या से नहीं वन के ऑलमोस्ट पास में तो फर्स्ट है इसको सोल्व भी नहीं करे फिर आप ओके बात चले आगे ये फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है

तो उस कंडीशन में आप 100% परसेंट आयोनाइजेशन एज्यूम करना ही पड़ेगा क्योंकि कुछ बोला नहीं है आपको ठीक है क्वेश्चन में तो अब यहां पे देखिएगा पाई जो आएगा इसको इन टू कंसेंट्रेशन बोले तो मोलारिटी होता है डेंसिटी नहीं दे रखा होता है इसका मतलब परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी है ये अपॉन मोलिकुलर वेट हो गया इन टू हो जाएगा ये लो तो देखो जो जो टर्म्स कॉमन चल रही है सबका वन 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 परसेंटेज है तो हटाओ इसको तो तो पाई जो आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा आयोटा अपॉन मोलर मास ये ये लीजिए देखना है आपको आयोटा इनटू मोलर मास किसके लिए मैक्सिमम होगा उसका पाई ज्यादा हो जाएगा इसका आयोटा वन होता है मोलर मास वन एटी होता है ये लो फर्स्ट का सेकेंड का आयोटा टू होता है फिफ्टी एट पॉइंट फाइव ये लीजिए थर्ड का इसका आयोटा थ्री हो गया सॉरी टू हो गया इसका मॉलिकुलर वेट जेडन का हो गया लगभग के आसपास यूरिया है यूरिया का वन ही होता है वन डिवाइड बाई सिक्सटी आप यहां से देखोगे ये वन बाई थर्टी आ रहा है ये वन बाई एटी आ रहा है वाली क्वांटिटी जब मिनिमम होगी तो वैल्यू मैक्सिमम होगी तो एन का वन प्रतिशत सोल्यूशन हो जाएगा एक प्रतिशत विलियन हो जाएगा चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सोल्यूशन कैन वी एक्सपेक्ट टू बी आइसोटोनिक एट द सेम टेम्परेचर विलियन का कौन सा युग्म समान ताप पर समरी आइसोटोनिक सॉल्यूशन उनको बोलते हैं जिनका पाई वन बराबर पाई टू हो टेम्परेचर सेम है तो इसका आयोटा वन सी वन आर टी इट इज इक्वल टू आयोटा टू, सी टू, आर टी इट मींस आयोटा वन सी वन इट इज इक्वल टू आयोटा टू सी टू ये बराबर होगा तो सॉल्यूशन आइसोटोनिक हो जाएगा अब अपन बात करते हैं यूरिया और एमएसएल का तो इसका यूरिया का आयोटा वन होता है इसका टू होता है तो ये तो बराबर नहीं होगा तो इसके लिए जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है पॉइंट वन और इसके लिए वैल्यू आएगी पॉइंट वन इंटू टू बराबर नहीं है इसके लिए बात करें तो ये तो पॉइंट वन आ गया और इसके लिए बात करोगे तो पॉइंट टू इंटू थ्री हो जाएगा बराबर नहीं इसके लिए बात करोगे तो पॉइंट वन इंटू टू होगा और इसके लिए बात करोगे तो पॉइंट वन इंटू थ्री होगा क्योंकि दो सोडियम मिलेगा एक सल्फेट मिलेगा तो आयोटा थ्री होता है इसके लिए बात करोगे तो पॉइंट वन इंटू थ्री और इसके लिए बात करोगे तो पॉइंट वन इंटू थ्री इन टू सी बराबर आ रहा है इट मीन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ये दोनों आइसोटोनिक सोल्यूशन हो जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं दोल्यूबिलिटी ऑफ सोल्ट इज फोर ग्राम पर हंड्रेड ग्राम वॉटर एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस इफ थ्री सिस्टम ए बी एंड सी कंटेन सिक्स ग्राम फोर ग्राम एंड टू ग्राम of the salt in 100 gram water respectively at 20 degree celsius the correct decreasing order of vapor pressure of system will be 20 degree celsius par lavan ki vilayata 4 gram prati 100 gram jal hai iska matlab 100 gram mein maximum 4 gram dissolve hoga aur solution saturated ban jayega यदि तीन निकाय एबीसी में 20 degree celsius देखो टेम्परेचर चेंज करते हो तो सोल्यूबिलिटी चेंज हो जाती है टेम्परेचर चेंज नहीं किया गया है सौ ग्राम जल में 6, चार और दो ग्राम लवण आपने डिजोल्व करने की ट्राई की ये ए है ये बी है ये सी है ठीक है अब आपने 6, चार और दो डिजोल्व करने की ट्राई तो भली की है लेकिन आपको मालूम है मैक्सिमम चार ग्राम ही डिजोल्व होगा तो ये दो ये चार और ये चार सोल्यूबल कितना हुआ विले कितना हुआ वो तो यही हुआ चार चार दो अच्छा यहां से मेरे को एक चीज समझ में आती है ये पूछ रहा है कि अपन को मालूम है ये सारे के सारे अविलेशील लवण है तो जितना सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा होता है नॉन वोलेटाइल का उतना ही वेपर प्रेशर कम होता है इट मींस इसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा सी का इन दोनों के वेपर प्रेशर बराबर होंगे क्योंकि बराबर अमाउंट डिजोल्व हो रखा है तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट देखते फिफ्थ नंबर प्रॉब्लम पे क्या कह रहा है 25 ग्राम इथाइलीन ग्लाइकोल इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ दी वाटर इथाइलीन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर वेट होता है 62 ओके द सॉल्यूशन इज कूल्ड टू माइनस -10 डिग्री सेल्सियस Kf फॉर वाटर इज 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल द अमाउंट ऑफ आइस सेपरेटेड ऑन कूलिंग अगर आपने टेंपरेचर को फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम कर दिया है उस कंडीशन में उस कंडीशन में आइस जो होगा वाटर आइस के फॉर्मेट में सेपरेट हो जाएगा तो इसका डेल्टा टी एफ टेन ले लीजिएगा आयोटा इनटू के इनटू इंटू एम होता है मोलेलिटी ये टेन है इथाइलिन ग्लाइकोल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आयोटा वन हो गया के एफ की वैल्यू वन पॉइंट एट सिक्स हो गई मोलेलिटी लिखना है तो ट्वेंटी फाइव ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल डिवाइड बाई सिक्सटी टू ग्राम वॉटर है अब तो थाउजेंड का मल्टीप्लाई इट इज द मोलेलिटी ठीक है यहां से देखिएगा दो से ये दो कैंसिल आउट हो गया ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट ई हो गया थ्री टाइम्स एक्स की वैल्यू आ गई सेवनटी फाइव ग्राम इट इज द अमाउंट ऑफ वॉटर ये किसका अमाउंट है सॉल्यूशन फेज में इसका मतलब वॉटर का अमाउंट है आपसे पूछ रहा है बर्फ की कितनी मात्रा पृथक होगी तो मैंने कहा पहले 100 ग्राम वाटर होता था उसमें से अभी 75 ग्राम वाटर अभी भी है इसका मतलब 25 ग्राम जो होगा वो आइस के फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाए इट मीन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ओके बात आगे बात करें नेक्स्ट नंबर प्रॉब्लम ठीक है सिक्स नंबर प्रॉब्लम आपसे पूछा है ड्यूरिंग ड्यूरिंग द फ्रीजिंग ऑफ ए सोलूशन एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट विच ऑफ द इक्विलिबियम एग्जिस्ट एक विलियन के हिमांक के दौरान इसके हिमांक बिंदु पर कौन सा साम्य अस्तित्व में रहेगा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है अब यहां पे मुद्दा यह है कि आपको पूछ रहा है फ्रीजिंग के ड्यूरेशन में कौन जो होगा वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा तो सिंपल सी बात है सॉल्यूशन में से ओनली फॉर सॉल्वेंट वाला पार्ट जो है वो फ्रीजिंग में इक्विलिब्रियम में होता है सॉलिड लिक्विड पार्ट जो होता है वही जाके फ्रीज होगा वही जाके फ्रीज होगा मीन्स पानी जो है वही आइस में कन्वर्ट होगा एनएसएल नहीं जमने वाला है तो इसका मतलब सोलवेंट लिक्विड जो है और सोलवेंट सॉलिड जो है इनका इक्विलिबियम होगा तो ये लो लिक्विड और विलायक सॉलिड सोलवेंट लिक्विड एंड सोलवेंट सॉलिड का जो है वो इक्विलिबियम एग्जिस्ट करेगा इट मीन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट सेवन नंबर क्वेश्चन Hg2Cl2 Hg2Cl2 40% HG2 का want of क्या होगा यदि वियोजन की कोटि प्रतिशत है की जब लेकिन अगर आप ठीक है? लेकिन अगर आप Hg2Cl2 को ब्रेक करते हैं इट इज दर्क्यूरस क्लोराइड अगर ये मर्क्यूरस क्लोराइड है

फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ओकेटाइल सोल्यूट इन सेवन एट ग्राम बेनजीन इज वन नाइन एम एम एच जी मोलर मासजीन का वास्पद आप दो सौ एम एम दे रखा है समान ताप पर विलियन जो 78 ग्राम बेंजीन में एक ग्राम पदार्थ का आप लिखते हो ना पी एस बराबर पी नॉट इन टू एक्स ऑफ दॉल्यूंट इसी से अभी मैंने आपको बताया था कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इट इज इक्वल टू एक्स ऑफ दॉल्यूट और कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो आंसर सेम आएगा तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ये थर्ड नंबर वाला फॉर्मूला अपन तब प्रीफर करते हैं जब अपन को सोल्यूट या सोल्वेंट का या तो मास चाहिए या मोलर मास रिक्वायरमेंट है फॉर्मूला लगाइएगा पी नोट की वैल्यू है 200, माइनस पीएस 195 डिवाइड बाय 195 पीएस, ओके, इट इज इक्वल टू 1 ग्राम दे रखा है मोलर मास म मान लिया 78 ग्राम बेंजीन है बेंजीन का मोलर मास 78 होता है ये कैंसिल आउट हो गया यहां से 5 बच गया इधर हो गया 195 इट इज इक्वल टू 1 बाय म तो म इट इज इक्वल टू हो जाएगा 39 तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर ओके कोई भी फॉर्मूला यूज करो लेकिन बी के आपको यह ध्यान रखना है जब सोल्यूट या सोलवेंट का मास या मूलर मास पूछता है तो आपको यह फॉर्मूला प्रीफर करना चाहिए ओके चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पे क्या कह रहा है वॉट वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट यूरिया नीड्स टू बी डिजोल्व इन हंड्रेड ग्राम ऑफ वॉटर इन ऑर्डर टू डिक्रीज इट्स वेपर प्रेशर बाई एटी परसेंट सौ ग्राम जल में अवाष्पशील यूरिया की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि वाष्प दाब प्रतिशत कम हो जाए इसका मतलब अगर आपने p0 100 कंसीडर किया तो फिर तो ps जो है वो 80 हो जाएगा 20% कम हो जाए या रिड्यूस बाय 20% है तो 80 हो जाए वापस फॉर्मूला वही लगेगा p0 ps upon ps इट इज इक्वल टू n ऑफ द सॉल्यूट अपॉन n ऑफ द सॉल्वेंट ये लीजिए p0 की वैल्यू 100 है माइनस -80 80 इट इज इक्वल टू सॉल्यूट का मोल मिस यूरिया का मास w ले लीजिएगा डिवाइड बाय उसका मोलर मास 60 होता है अपॉन में 100 ग्राम डिवाइड बाय 18 ये हो गया 20 1 4 हो गया ये w 18 चला गया ऊपर 60 हो गया 1000 ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से 15 टाइम्स तो w इट इज इक्वल टू सौ बटा अठारह पांच सौ बटा छी थ्री पॉइंट इज द करेक्ट आंसर ओके सिंपल सा प्रॉब्लम है फॉर्मूला समझ में आ जाए अप्लाई कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर टेन क्या कह रहा है

अच्छा हिमांक बिंदु इतना दे रखा एक्वस का वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता सोल्यूशन काट तो आएगा ठीक है पॉइंट टू पॉइंट जीरोना वन पॉइंट एट सिक्स का तो वन पॉइंट वन आ जाएगा उसका सिंपल सा रीजन दो सौ चार और अठारह पॉइंट छे तो एटीन पॉइंट

कंसीट्रेशन कितनी दे रखी है पॉइंट वन और एल्फा भी पॉइंट वन इट इज द टेन एस डी पावर माइनस टू तो पीएच टू के बराबर ये लो थर्ड इज द करेक्ट आंसर ओके चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 480 मल ऑफ 1.5 मोलर हेचीएल सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ 520 मल ऑफ 1.2 मोलर हेचीएल डी मोलरिटी ऑफ हेचीएल इन फाइनल � 1.5 मोलर HCl का 480 सौ अस्सी एम के विलियन को जो है वो 1.2 मोलर HCl के 520 सौ के साथ आपने मिक्स किया है तो बोला अंतिम विलियन में HCl की मोलरता कितनी होगी सिंपल सा फॉर्मूला है ये आपको दे रखा है मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूं अगर आप ये चाहते हो कि फॉर्मूला भी यूज नहीं करना आपको सीधा आंसर देना है तो एक तरीके से 1.5 मोलर है और 1.2 है तो इनके एवरेज का 2.7 तो को भी आ नहीं सकता ठीक है थेके? पहली बात तो 1.2 भी तब आएगा जब पूरा का पूरा 1.2 वाला हो लेकिन पूरा का पूरा तो है नहीं मिक्सर है तो एवरेज तो इनके बीच में आएगा कहीं कहीं ये तीन ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए सीधा आंसर थर्ड होगा अब आप चाहो कि फार्मूला लगाना ही है तो 1.5 480 प्लस 1.2 पॉइंट अपॉन वी वन प्लस वी टू हो गया थाउजेंड मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ठीक है ये लो फोर फोर वन पॉइंट थ्री फोर फोर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको सीधा आंसर वैसे टिक कर देना चाहिए था। ओके, okay? नेक्स्ट बात करें। नंबर, हाउ मोल्स ऑफ शुड बी एडेड इन मोल ऑफ मिलाए जाए कि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन पॉइंट सेवन होता है रिलेटिव ये होता है इट इज़ द एक्स बी एक्स बी को लिखने का तरीका लिख देता हूं एक्स बी बोले तो बी सॉल्यूट को मान रहा हूं मैं वन बाई सिक्स लिख देता हूं इट इज इक्वल टू एन एस एल का आयोटा टू है मोल पूछ रहा है ये लो टू इन टू एन बी प्लस टेन मोल वाटर दे दिया है ट्वेल्व टाइम्स एन बी इट 2 times NB plus 10, ये इधर आएगा 10 NB, तो NB की वैल्यू किसके बराबर बराबर हो जाएगी के करेक्ट आंसर अब लोग गलती क्या कर देते, देते. तो तो हैं जो होता है वो थ्योरिटिकल एक्सपेरिमेंटल मूल अपॉन थियोर मूल होता है तो एक्सपेरिमेंटल मूल तो हर बार सोल्यूट का किसके बराबर होगा थियोरिटिकल मूल इंटू आयोटा के बराबर <coughs> सॉरी, ठीक है आगे बात करें क्वेश्चन नंबर थर्टीन चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट फॉर ए सोल्यूशन ऑफ एचसीएल एंड वॉटर एचसीएल तथा जल के विलियन के लिए कौन सा असत्य है वॉटर एचसीएल प्लस वॉटर जो है वो नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन है नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन है ये लो नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है ठीक है क्यों है उसका रीजन भी समझ लीजिएगा एच सी एल एसिड है ठीक है अगर पहले बात करोगे तो इसमें डाइपोल डाइपोल का फोर्स लगेगा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फोर्स लगेगा लेकिन जैसे ही एच सी एल वॉटर में जाता है तो आयन में ब्रेक हो जाता है एच प्लस और सीएल माइनस में तो उस कंडीशन में जो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इट इज द आयन डाइपोल कौन सा फोर्स लगेगा आयन डाइपोल और आयन डाइपोल का जो फोर्स होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी स्ट्रॉग होता है इसलिए डेविएशन कैसा हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑफ थिंग तो नेगेटिव डेविएशन का हो गया फर्स्ट ऑफ थिंग आयन डाइपोल का ठीक है अब नेगेटिव डेविएशन के लिए अगर अपन बात करें तो डेल्टा एच नेगेटिव के लिए नेगेटिव होगा डेल्टा बी नेगेटिव के लिए नेगेटिव होगा ठीक है अब डेल्टा एच इसका अगर नेगेटिव है सिस्टम का तो सराउंडिंग का डेल्टा एच क्या होगा पॉजिटिव फॉर सराउंडिंग अपन को मालूम है डेल्टा एस सराउंडिंग जो होगा वो डेल्टा क्यू सराउंडिंग अपॉन टेंपरेचर टेम्परेचर तो क्यू सराउंडिंग इसका पॉजिटिव है तो ये भी सही है ये भी सही है ये भी सही है लेकिन डेल्टा जी जो होता है वो लेस देन जीरो होता है तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ओके नेक्स्ट बात करें तो इसका आंसर हो गया फोर्थ फोर्टीन नंबर क्वेश्चन पे आते हैं फॉलोइ इक्वी मोल एक्व सोल्यूशन मोलिटी सबकी सेम रखिए बिंदु अधिकतम होगा आयोटा सबका सेम है सॉरी एल्फा सेम है अपन को मालूम है डेल्टा टीबी टू आयोटा के बी इन टू एम मोलैलिटी सेम है के से तो बी सेम है तो डेल्टा टीबी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा आयोटा के आयोटा ज्यादा तो डेल्टा टीबी ज्यादा डेल्टा टीबी ज्यादा तो उस कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा ये लो ओके अब सुनो आप कह रहे हो कि आयोटा ज्यादा होना चाहिए तो आयोटा तो तब तो ज्यादा होगा जब x y क्योंकि आयोटा का फार्मूला क्या होता है 1 अल्फा x y 1 अल्फा से है तो x प्लस वाई की वैल्यू ज्यादा होगी तब जाके आयोटा ज्यादा बनेगा यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू एक और तीन चार यहाँ पे वाटर तो कुछ देगा नहीं तो तीन यहाँ पे दो यहाँ पे एक x प्लस वाई एक ही है? एक ही आएगा पूरा तो सबसे ज्यादा जो आएगा बॉइलिंग पॉइंट वो फर्स्ट का आ जाएगा तो फोर्टीन का आंसर हो गया फर्स्ट ओके नेक्स्ट फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन जो है वो कुलेंट यूज किया जाता है, है. यहां तक तो वो फ्रीज नहीं होता है हाउ मच इथाइलिन ग्लाइकोल मस्ट बी एडेड टू फाइव किलोग्राम ऑफ वॉटर कार रेडिएटर में इथिलीन ग्लाइकोल के जलिय विलियन का शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है विलियन को -0.3 डिग्री सेल्सियस तक जमाव से रोकने के लिए 5 किलोग्राम जल में कितना एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाना चाहिए तो इसका मतलब डेल्टा टीएफ जो हो गया डेल्टा टीएफ जो हो गया वो 0.3 हो गया तो 0.3 केएफ 1.86 है मोलल आयोटा वन एथिलीन ग्लाइकोल का मोलेलिटी लिखनी है तो w ग्राम अपॉन 62 5 किलोग्राम जल है ये लो तो यहां से अगर अपन बात करें तो ये एक जीरो से एक जीरो थ्री तो तो आ जाता है पॉइंट थ्री इट इज इक्वल टू फिफ्टी ग्राम कितना आ गया फिफ्टी ग्राम सेकेंड इज द करेक्ट आंसर ओके चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्या कह रहा है

तो 18 माइनस एटीन एक्स इट इज इक्वल टू थाउजेंड ऑफ दी एक्स थाउजेंड एटीन एक्स इट इज इक्वल टू एटीन तो, तो यहां से x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी एटीन डिवाइड अगर ये 20 होता और अपोन में थाउजेंड होता तो 20 डिवाइड बाई 1000 की वैल्यू की बात करें पॉइंट जीरो टू होता तो पॉइंट जीरो टू से थोड़ा सा कम आए पॉइंट जीरो टू का डिजिट पकड़े सेकेंड इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज 40 एमएम एचजी एट 310 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इन ए सॉल्यूशन विद लिक्विड बी इज 32 एमएम एचजी मूल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सॉल्यूशन इफ इट ओबेज राउल्ट लॉ ये बोला 310 केल्विन पर शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब 40 एमएम एचजी है तो पी नॉट ए हो गया द्रव बी के साथ इस द्रव विलयन का वाष्प दाब बत्तीस है ये पी एस हो गया तो बी की मूलबिन बताओ अपन को मालूम है कि वोलेटाइल सॉल्वेंट अगर ए दे रखा है तो इसका मतलब ये XA हो गया ये कितना बत्तीस ये चालीस एक्स ए तो एक्स ए बराबर हो गया पॉइंट एट तो एक्स ए बराबर तो एक्स बी किसके बराबर हो गया पॉइंट टू के बराबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट बात करते हैं

एच टू में प्योर लंदन फोर्स है सी एच फोर में कम से कम मोलिकुलर वेट तो ज्यादा है अगर लंदन फोर्स है भी तो ठीक है सॉरी ठीक है तो मिथेनोल सबसे आगे आएगा ये ये कंफर्म बात है तो ये गया ये गया अब एच टू और सीएच फोर में अगर दोनों में लंदन फोर्स कंसिडर कर लिया जाए तो सी एच फोर का तो मोलिकुलर वेट ज्यादा है साथ में बॉन्ड भी पोलर है तो सी एच फोर आगे आएगा तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर शोज ए पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्टलो कौन सा द्रव युग्म राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है एसिटोन प्लस क्लोरोफॉम नेगेटिव डेविएशन है एसिड प्लस वॉटर नेगेटिव डेविएशन है उस कंडीशन में पॉजिटिव डेविएशन होता है तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नॉर्मेलिटी ऑफ पॉइंट थ्री मोलर फोस्फोरस एसिड फोस्फोरस एसिड होता है एस थ्री पीओ थ्री एसिडिक हाइड्रोजन वही होता है एसिडिक हाइड्रोजन वही होता है जो सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन या हेलोजन से कनेक्टेड हो या एसपी हाइब्राइड, एसपी हाइब्रिडाइजेशन कार्बन से तो फास्फोरस वाला तो जो फास्फोरस से हाइड्रोजन कनेक्टेड है वो तो एसिडिक है ही नहीं इसका मतलब इसका एसिडिक हाइड्रोजन है, है दो इसका मतलब इसका एन फैक्टर चला दो अपन को मालूम है नॉर्मेलिटी जो होती है वो होती है मोलारिटी इनटू एन फैक्टर के तो मोलारिटी कितनी देखिए 0.3 2 इट इज इक्वल टू 0.6 ये लीजिए थर्ड इज द करेक्ट आंसर 21 18 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व इन वन किलोग्राम ऑफ वाटर द टेम्परेचर एट विच सॉल्यूशन बॉइल 18 ग्राम ग्लूकोज को वन किलोग्राम जल में गोलने पर विलियन किस ताप पर उबलेगा फर्स्ट ऑफ थिंग ग्लूकोज इज द नॉन वोलेटाइल होता है अगर नॉन वोलेटाइल है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो डेल्टा टी इट इज इक्वल टू आयोटा तो वन हो गया के बी पॉइंट ग्राम ग्लूकोज है तो एटीन डिवाइड बाई वन और वन किलोग्राम ये होगी मोलेलिटी डेल्टा टी बी आ गया डिग्री सेल्सियस में है ना तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो आएगा वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट वाटर का 100 प्लस पॉइंट 0.52 इट मींस 100.052 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा ये लीजिए थर्ड इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट 22 नंबर द कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन विच सोज एन विच सोज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 8.21 एटीएम ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस ग्लूकोजन की जो 27 degree Celsius पर ATM पर करती है आयोटा वन है, CRT ये लो। करनी है। आर की बोल दिया है, इतना लेना है। केल्विन में होना चाहिए गया C is equal to Is the तो इसका Kelvin से बढ़ जाता है तो पदार्थ का मूलर द्रयमान बताओ कुछ नहीं बोला है आयोटा वगैरह के बारे में तो अपन आयोटा वन लेंगे के बी पॉइंट सिक्स दे रखा है के बी फाइव दे रखा है की बारे में बात आई तो थ्री अपॉन मोलर मास हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड ये लीजिएगा दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गए एम बराबर यहाँ पे आ जाएगा फिफ्टी इंटू थ्री डिवाइड बाई पॉइंट सिक्स थर्ड इज द करेक्ट आंसर ट्वेंटी फोर एसिडिक एसिड आयोनाइज एसेंट इन वॉटर सही बात है एसिडिक एसिड जो होगा वो वॉटर में आयोनाइज होगा एज एसिडी एंड डाइमराइजेज फोर्टी परसेंट इन बेंजीन द रेशियो ऑफ बेंजीन में डाइमर बनाता है एसिड इन वॉटर टू बेंजीन वाटर में अगर इसके लिए बात करोगे एसिडिक एसिड acid का तो ये टूटेगा टूटेगा तो अपन को मालूम है फॉर्मूला ये लगे एसिडिक एसिड acid जब टूटता है तो एसिटेट आयन बनाता है साथ में H प्लस देता है तो एक्स की वैल्यू वन वाई की वैल्यू वन पॉइंट एट दे रखा है इट वन पॉइंट एट आगे बात करें कि बेंजीन में द्विलक बनाता है तो बेंजीन के लिए बात करें वन माइनस एल्फा वन माइनस वन बाई एन डाइमर बनाता है तो एन की वैल्यू टू हो जाएगी तो यहां से आयोटा फोर बेनजीन के लिए बात करें तो इट इज इक्वल टू वन माइनस पॉइंट फोर वन माइनस वन बाई टू इट इज का रेशियो लेना है इट इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट टू फाइव हो जाएगा आई थिंक

सौ डिग्री सेल्सियस पर सौ ग्राम जल में उपस्थित सिक्स पॉइंट फाइव ग्राम केवन सिक्सटी होता है ये डेटा गिवन नहीं है और कभी एग्जामिनर देगा भी नहीं तो ये 760 हो गया पी एस आ गया तो अपन पहले सोल सूट का मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इट इज़ इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए वाले फॉर्मूले से तो यहाँ से 760 माइनस 732 थर्टी टू अपॉन सेवन इट इज इक्वल टू 6.5 पॉइंट अपॉन मोलर मास एम ये 100 मल्टीप्लाई बाई एटीन ऊपर चला जाएगा वाटर का तो यहाँ से एम बराबर जो आया है वो ये आए सोल्व नहीं करे पढ़ा दो अब अपन को चाहिए डेल्टा टीपी तो वो होगा के बी इन टू मोलिटी के टाइम में सिक्स पॉइंट फाइव अपॉन मोलर मास मोलर मास देखो वापस यही आया ये मोलर मास और कितना ग्राम है सौ ग्राम है सौ ग्राम है तो ऊपर थाउजेंड का मल्टीप्लाई ये लो जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट कर दो ये लो डेल्टा टी टीबी बराबर मैं यहां से ये कैंसिल आउट कर रहा हूं ये दो जीरो से दो जीरो गया 520 28 18 730 एक बार सोचने वाली ये 30 हो जाएगा लगभग ठीक है ये 30 हो जाएगा तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 24 हो जाएगा तो ये ऑलमोस्ट 1 ही आएगा ये वन आएगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दोल्यूशन टीबी तो डेल्टा टीबी चल रहा है तो आइडिया लेनाटी सिक्स ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ ग्लूकोज इज आइसोटोनिक विध फाइव परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी सोल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट दॉलिकुलर मास नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एक विलियन जिसमें 36 ग्राम प्रति डेसीमीटर क्यूब ग्लूकोज एक अवास्पशील डब्ल्यू बाईन का संपराता वन वन तो पर डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है वन तो थर्टी सिक्स डिवाइड बाई वन एटी और चाहिए तो टेन इन तो फाइव डब्ल्यू बाई बी अपॉन मोलारिटी ये हो जाएगा तो यहां से एम आएगा 50 इन टू वन एटी डिवाइड बाई थर्टी सिक्स याद आएगा टू फिफ्टी फोर्थ इज द करेक्ट आंसर 27 नंबर P नॉट A से P नॉट B का रेशियो दे रखा वन रेस टू टू एट ए सर्टेन टेम्परेचर एंड X से रेस टू X B का रेशियो दे रखा वन रेस टू टू इन ए आइडियल सॉल्यूशन

अपॉन P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी होता है ये लो अपन को P नॉट ए से P नॉट बी का रेशियो दे रखा है ये काम करता हूं मैं यहां से P नॉट बी P नॉट ए कॉमन ले लेता हूं ये वन हो जाएगा ये वन हो जाएगा ये ये बन जाएगा ये ये बन जाएगा, ये ये बन जाएगा। अगर ऐसा है तो देखो ये हो जाएगा टू रेस टू वन और एक्स बी बाई एक्स ए बी टू रेस टू वन ये आ जाएगा वन अपॉन्ड वन प्लस वन बाई फाइव बोले तो पॉइंट टू सेकेंड इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट ट्वेंटी एट द डेंसिटी ऑफ टू मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एनिवे इज 1.2 ग्राम 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी मोलिटी ऑफ दी सॉल्यूशन दो मोलर एनएमएच के जलीय विलियन का घनत्व दे रखा है विलियन की मोललता पूछिए तो आपको मालूम है स्मॉल एम बराबर 1000 कैपिटल एम अपॉन 1000 ऑफ दी डी माइनस एम इन टू वेट ऑफ सॉल्यूट. ये एक रिलेशन होता है आपको स्मॉल एम कैलकुलेट करना है थाउजेंड इंटू अपॉन थाउजेंड इंटू माइनस मोलेलिटी टू सॉल्यूट एनएमएच का मोलर मास 40 तो यहां से 2000 डिवाइड बाय 1280 माइनस 80 ये आ जाएगा 2000 डिवाइड बाय 1200 ये हो जाएगा पांच बटा तीन बोले तो 1.67 म. ओके नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29. ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ

की वैल्यू थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव कैंसिल आउट हो जाएगा करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट थर्टी क्वेश्चन क्या कह रहा है Which of the following ऑफ द फॉलोइंग aqueous solution will exhibit the लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट depression?

0.0058 डिग्री सेल्सियस के एफ वाटर का दे रखा है एज्यूमिंग 100% परसेंट आयोनाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एम ये बोला है कॉम्प्लेक्स के जल में इतने मोलल विलयन के लिए हिमांक बिंदु में अवनमन आपको दे रखा है H2O का के एफ आपको दे रखा है 100% आयनन मानना है मींस अल्फा की वैल्यू 1 कंसीडर करें तो बोला m का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी बिल्कुल सही बात है डेल्टा टी एफ इट इज इक्वल टू आयोटा इन टू के एफ इन टू एम होगा तो डेल्टा टी एफ जो है वो इसके लिए है पॉइंट एट ये लो आयोटा कैलकुलेट कर लेता हूं के एफ वन पॉइंट एट सिक्स है की बात तो टेन इन थ्री है यहाँ से अगर अपन बात करें तो ये यह यहां से यहां कैंसिल आउट हो गया आयोटा जो होगा वो थ्री आएगा आयोटो थ्री। अगर आयोटा थ्री आएगा तो आयोटा थ्री तभी आ सकता है जब कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ये 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 वाला हो ये लो ये होगा उसी कंडीशन में जो है वो आयोटा थ्री आएगा अदरवाइज आयोटा थ्री आएगा नहीं क्योंकि एक आयन पूरा ये मिल जाएगा और दो सीएल के मिल जाएंगे ओके तो यहां से देखिएगा अब M का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है तो ये मान लिया X अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर होता है जीरो Cl एल हो गए चार फोर इंटू माइनस वन इट इज इक्वल टू जीरो तो X की वैल्यू आ गई फोर के बराबर आ जाएगा X इक्वल टू किसके बराबर आ गया फोर तो अपना आंसर जो होना चाहिए वो जीरो फोर में जाए ओके चले आगे नेक्स्ट बात करते हैं हाँ जी सेकेंड नंबर प्रॉब्लम में लिखेगा

3.2 तथा शुद्ध जल के द्रव्यमान में 0.08 ग्राम की कमी होती है विलेय का मूलर द्रव्यमान आपसे पूछा गया एक सिंपल सी बात है ये आप सॉल्यूशन से जिसका वेपर प्रेशर पीएस होता है आप ड्राई एयर अगर यहाँ से पास करवाते हो तो जब ड्राई एयर बाहर आएगी तो उसका प्रेशर भी पीएस होगा और जब आप इसे सॉल्यूशन से पास करवाओगे सॉल्वेंट से तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट होता है तो जब ये बाहर निकलेगी तो इसका प्रेशर भी पी नॉट हो जाएगा ठीक है एक्चुअल में ये ड्राई एयर यहां से बाहर निकलती है तो उस समय इसका प्रेशर पीएस कैसे हो जाता है ये क्या करती है वाटर को एब्जॉर्ब करती है वेपर को तो वेपर का प्रेशर पीएस होता है इसलिए इसका भी प्रेशर कितना हो जाता है पीएस हो जाता है ठीक है मैं ऐसा बोलू वेट लॉस ऑफ सॉल्यूशन जो आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा पीएस के अगर मान लो वेपर बनती नहीं तो फिर तो ड्राई एयर मॉइस्चर को कर ही नहीं पाता, लॉस तो जीरो हो जाता तो वेट होने का एक ही रीजन है तो वो आएगा आप कह रहे हो सर यहाँ पी नोट से बाहर आया तो मान लो पी नोट की वैल्यू हंड्रेड है, है तो यहां तो एक्चुअल में बीसी तो एब्जॉर्ब करके गया है 20 से करके गया इसका मतलब पी नॉट माइनस पी एस की तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आया ये लो अपन को मालूम है कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए होता है ठीक है P नॉट माइनस पी एस वेट ऑफ सॉल्वेंट में कितने डिक्रीज हुआ है 0.08 और ये कितना हुआ 3.2 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू।, टू आ रहा है इसलिए ठीक है एन बी कितना है नाइन ग्राम है अपॉन एम और कितना है वन जीरो एट डिवाइड एटीन ये हो गया सिक्स ठीक है ये हो गया फोर्टी तो एम बराबर थ्री सिक्सटी डिवाइड बाई सिक्स सिक्सटी सिक्सटी डिवाइड बाई टेन इट इज सिक्स आंसर क्या बनना चाहिए इसका जीरो सिक्स बनेगा इसका आंसर क्या बनेगा जीरो सिक्स बनेगा सही तो है बार देख लेते ऐसा नहीं हो सिक्स टू तीन सौ साठ बटा छह साठ साठ डिवाइड बाई टेन तो आंसर हो जाएगा जीरो सिक्स आंसर हो जाएगा जीरो सिक्स हो जाएगा इसका ओके चले आगे नेक्स्ट बात करते हैं अपन ओके ओके ठीक इसका आंसर हो जाएगा जीरो सिक्स हो जाएगा चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर थर्ड पे देखिएगा एट इंटू टेन एस डी पॉवर माइनस एक्स मूल ऑफ गैस ए इज डिजोल्व इन थर्टी सिक्स एम ऑफ वाटर व्हेन प्रेशर ऑफ दी गैस मिक्सचर मिक्सर वाटर इज फोर एटी एम परसेंटेज ऑफ गैस ए इन मिक्सर इज ट्वेंटी हेनरी लो कॉन्स्टेंट फॉर गैस ए इन वॉटर इज टू पॉइंट फाइव इंटू टेन एस डी पॉवर

को मालूम है प्रेशर ऑफ द गैस इट इज इक्वल टू के एच इन टू मूल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन तो ये दे रखा बन के एच की वैल्यू टू पॉइंट फाइव इंटू टेन इज दॉवर थ्री इंटू एक्स गैस अब देखो ये वाली वैल्यू इसके अंदर ऐड नहीं होगी नेगलिजिबल वैल्यू क्यों है ये इधर जाएगा तो 10 की पावर -3 आ रहा है इसका मतलब अपॉन वाली क्वांटिटी जो होगी वो ज्यादा होगी तो ये वाली ऐड मत करो आप तो ये क्या हो गया 2 2.5 10 रे टू दी पावर थ्री इट इज इक्वल टू 8 into 10 रे टू दी पावर -x ये 8 2 से हो गया चार ये हो गया 10 रे टू दी पावर थ्री ये हो गया 10 10 की पावर -x टेन की पावर माइनस फोर टेन की पावर माइनस एक्स एक्स बराबर आ गया चार तो टेन एक्स की वैल्यू हो जाएगी चालीस इसके बराबर आ जाएगी चालीस के बराबर हो जाएगा ओके okay? नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर फोर फिफ्टी ग्राम ऑफ ए सोलूशन कंटेनिंग ट्वेंटी परसेंट बाई मास ऑफ is mixed with 450 gram of a solution containing 13% by mass of NaCl the molality of Na plus ion in the final solution is report the answer in nearest integer द्रव्यमान अनुसार 20 प्रतिशत एनयूएच के 450 ग्राम विलियन को 13 प्रतिशत एनएसएल के 450 ग्राम के साथ मिश्रित किया जाता है अंतिम विलियन में एनए आयन की मूललता ज्ञात करो मूलिटी ऑफ एनए आओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन प्लस दिएगा सबसे पहले 450 ग्राम का 20 परसेंट कैलकुलेट कर लो तो आएगा 90 ग्राम कितना ग्राम आएगा 90 ग्राम एन हो गया ये लो 90 ग्राम एन हो गया एन का मोल कितना है डिवाइड बाय 40 इन इसमें एन प्लस कितना है 1 ये लो अब 90 ग्राम इसमें एन आया है तो सोलवेंट कितना हो गया थ्री प्लस ग्राम में चल रहा है अब परसेंट एन है तो 450 का 13% परसेंट अगर कैलकुलेट करें 450 का 13 परसेंटेज ये लीजिएगा 58.5.5 डिवाइड बाय 58.5 मल्टीप्लाई बाय वन अगर ये 58.5 माइनस कर दे 450 में से तो पचास सौ सीधा चाहता तो चार सौ आठ पॉइंट पांच और माइनस करना है इसका मतलब थ्री नाइनटी वन पॉइंट फाइव यही बात हुई मल्टीप्लाई बाई थाउजेंड ये कितना हो गया टू पॉइंट टू फाइव प्लस वन पॉइंट फाइव वन 3.25 डिवाइड बाय 751.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 अगर ये 725 हो तो, तो चार बटा तीन हो जाएगा 1.08 पॉइंट जीरो एट अब आपको नियरेस्ट इंटीजर में जाना है तो इसे राउंड ऑफ करोगे तो 4.32 का राउंड ऑफ जो होगा वो 4 होगा तो आंसर हो गया 04 आंसर क्या हो जाएगा 04 ओके नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन तो नंबर फिफ्थ 2.56 ग्राम ऑफ सल्फर इन 100 ग्राम CS2 हैज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.010 डिग्री सेल्सियस केफ दे रखा है 0.1 एटोमिसिटी ऑफ सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड 2.55 ग्राम सल्फर के 100 ग्राम CS2 में विलियन के लिए हिमांक बिंदु में अवनमन दे रखा है डेल्टा टीएफ आयोटा केफ 0.1 इनटू मोलेलिटी मोलेलिटी कैलकुलेट करनी है 32 टू हंड्रेड ग्राम है तो ऊपर थाउजेंड का मल्टीप्लाई ये लीजिए दो जीरो से दो जीरो गया ये हो जाएगा 25.6 ये हो जाएगा पॉइंट तो आयोटा इट इज इक्वल टू वन बाई एट अगर आयोटा वन बाई एट आ रहा है इसका मतलब सल्फर जो है सल्फर की जो एटोमिसिटी है वो ये है फिर तो कि एक्स एस जो है xs जो है वो sx में कन्वर्ट हो रहा है इसकी एटोमिसिटी x हो गई तो यहाँ पे ये जो है वो एसोसिएशन शो कर रहा है आयोटा 1/8 है आयोटा इट इज इक्वल टू 1 एल्फा एल्फा की वैल्यू 1 है 1 1/n ठीक है तो यहां से अगर अपन बात करें तो 7/8 तो 1/n इट इज इक्वल टू 1/8 तो n की वैल्यू 8 एटोमिसिटी 8 हो गया इट मींस आंसर हो गया 08 ओके नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर सिक्स 1.46 ग्राम ऑफ ए बायोपॉलीमर डिसॉल्व इन 100 एमएल वाटर एट 300 केल्विन एक्सर्टेड एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2.43 इनटू 10 की पावर माइनस थ्री बार द मोलर मास ऑफ द बायोपॉलीमर इज एक्स इनटू 10 इस डी पावर 4 ग्राम पर मोल वैल्यू ऑफ एक्स इतना ग्राम जैव बहुलक को आप कह रहे हो 100 ml जल में घोलने पर 300 केल्विन पर परासरण दाब इतना है ये लो परासरण दाब ऑर्गेनिक कंपाउंड है आयोटा वन, सी, 1 c1.46 अपॉन मोलर मास 100 ml ml में, तो में है तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई r की वैल्यू 8.21 बार में तो 0.0821 ये लीजिए ठीक है मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना है थ्री हंड्रेड एम कैलकुलेट करना है दो जीरो से दो जीरो गया एम बराबर पॉइंट सिक्स थ्री हंड्रेड पॉइंट जीरो एट टू वन अपॉन टू पॉइंट फोर थ्री ठीक है इन टू टेन एवर माइनस थ्री ऊपर जाएगा एक काम करो एक जीरो यहाँ से हटाओ पॉइंट एट ये कैंसिल आउट हो जाएगा थ्री टाइम्स ये थ्री से ये बच गया टेन ठीक है टेन हो गया तो ये हो गया टेन रेस टू दी पावर फोर 14.6 पॉइंट टेन रेस टू दी पावर फोर ये आएगा ठीक है ये आना चाहिए अगर 14.6 आया है तो इसका मतलब 15 होगा राउंड ऑफ करने के बाद राउंड ऑफ करने के बाद फिफ्टीन होने वाला है ठीक है इसकी वैल्यू थ्री के आसपास आएगी नहीं वैल्यू थोड़ी बढ़ेगी फोर्टीन पॉइंट सिक्स का राउंड ऑफ भी करोगे तो फिफ्टीन बनने वाला है ओके okay, है मेरी बात समझ में आ रही है आपको बोलिए जी ठीक है चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन

तो M बराबर 10 की पावर माइनस 2 बनाओगे तो ये लो 720 करना पड़ेगा ये हो गया 4 इनटू 10 की पावर माइनस 3 तो अपना आंसर हो गया 0 4 मोलारिटी यही तो आई तो आंसर क्या हो जाएगा 0 4 ओके okay? नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर एट एन आइडियल एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड ए मॉलिक्यूलर वेट

पी दे रखा है आपको पी बराबर होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी अगर दोनों वोलेटाइल है तो ये कितना दे दिया 145 इसका अपन को कैलकुलेट करना है एक्स दे रखा है इसकी मूल फ्रैक्शन 64 परसेंटेज बाय वेट दे रखा है इसका मतलब ए 64 ग्राम होगा तो वाटर का मास जो होगा वो 36 ग्राम होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इसका मोल पॉइंट हो जाएगा 64 डिवाइड बाय मोलर मास 128 है अपॉन टोटल मोल 2.5 आ गया 1 बाय 5 बोले तो 0.2 है इसके मोल फ्रैक्शन 0.2 है ये लो या 1 बाय 5 ले लो 1 बाय 5 प्लस इसकी आ जाएगी 155 है 4 बाय 5 ठीक है पांच का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इधर वन ट्वेंटी फाइव अगर x वन ट्वेंटी फाइव आया डिवाइड बाई फाइव करना है यही आएगा तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई कोई गड़बड़ तो नहीं हो गया मल्टीप्लाई करने में अच्छा वन जीरो ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन इसका आंसर बन जाएगा ये लीजिए ठीक है नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर नाइन क्या कह रहा है नाइन नंबर पॉइंट वन मोल एक्स वाई टू इज डिजोल्व इन टू लीटर

यहां से आयोटा कैलकुलेट करते हैं पाई एक्सपेरिमेंटल अपॉन पाई थियोरेटिकल ठीक है ये किसके बराबर हो गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंट थ्री अपॉन वन पॉइंट फाइव इट इज इक्वल टू टू आयोटा की वैल्यू तो हो गई टू ठीक है अब अपन को चाहिए एम ऑब्जर्व तो एम ऑब्जर्व चाहिए तो अगर आपको मालूम है तो आयोटा होता है एम थियोरेटिकल अपॉन एम ऑब्जर्व ये लो तो यहां से एम ऑब्जर्व जो आएगा टिकल कितना हो जाएगा इसका एक्स बाई टू का एक्स का है ट्वेंटी फोर और वाई का है थर्टी टू तो ट्वेंटी फोर प्लस टू टाइम्स तो एम ऑब्जर्व हो गया 88 एट डिवाइड बाई टू इट इज इक्वल टू फोर्टी फोर तो अब आपसे पूछ क्या रहा है ऑब्जर्व फोर्टी फोर प्लस टू टाइम्स आयोटा ये लो फोर्टी एट इसका आंसर बनना चाहिए इसका आंसर क्या बनेगा इसका आंसर बनेगा 48। करेक्ट आंसर इज 48। ओके? Okay? चले आगे ठीक है जी चलो नेक्स्ट बात करते हैं गड़बड़ तो नहीं बत्तीस का डबल वाई दो है ना ठीक है चलिए 2 ग्राम एसिडिक एसिड डिसॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन शोस ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 5 केल्विन Kf4 बेंजीन इज 5 केल्विन पर मोलल व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म्स डाइमर इन सॉल्यूशन 2 ग्राम एसिडिक एसिड को 25 ग्राम बेंजीन में एसिडिक एसिड है बेंजीन में घुलने पर हिमांक बिंदु में 5 केल्विन का अवनमन प्रदर्शित करता है बेंजीन का के एफ फाइव केल्विन पर मोलल है तो अम्ल का प्रतिशत संगुणन ज्ञात कीजिए यदि विलयन में ये द्विलक बनाता है तो ठीक है डेल्टा टीएफ एफ पांच केल्विन आयोटा के एफ फाइव मूलिटी लिखनी है टू डिवाइड बाय सिक्सटी एसिडिक एसिड है ये ट्वेंटी फाइव ग्राम बेंजीन है तो ऊपर थाउजेंड का मल्टीप्लाई ये लीजिए फाइव से फाइव कैंसिल हो गया आयोटा इज इक्वल टू सिक्सटी इंटू

परसेंटेज में चाहिए तो फिफ्टी परसेंटेज इज द करेक्ट आंसर तो इसका आंसर हो जाएगा पचास कितना आंसर हो जाएगा पचास ओके okay, बात ठीक है ये पूरा सॉल्यूशन हो गया ओके थैंक यू